Oh my champions, what's up? Very, very warm welcome to all. Good evening, everybody. Everybody, good evening. Khush raho. Hashtag positivity. Arre kya baat. God bless you. Hashtag VLOP, Vedantu Learning, over part. And don't forget to say, mera bhai. Arre, kyunki sabse zyada khushi to usi mein hoti hai, right? So, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 शुरू करना है, जिसमें हम पहले वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नो रेशियो पढ़ेंगे, यानी कि साइन कॉस टैन सीकेंट कोसेकेंट कॉट सब की वैल्यूज एट सम स्टैंडर्ड एंगल्स एंड सम बिगर एंगल्स. एंड देन हम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ग्राफ देखेंगे ट्रिग्नो रेशियोज के, ग्राफ कैसे बनते हैं, एंड कंपाउंड एंगल फॉर्मूले. टू बी प्रिसाइज, इसकी थोड़ी सी शुरुआत लास्ट सेशन में हो गई थी, जब हमने साइन थीटा कॉस थीटा को डिफाइन कर दिया था. ये उसी के आगे अब एक्सटेंशन है. ये आपके लिए नया टॉपिक है एंड बिलीव मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो चीज है जो जगह जगह पे बीच में आएगी. आपने पूरा सवाल तो अच्छे से कर लिया, आपको कंसेप्ट भी आता था, बीच में आके कुछ इसका यूज हुआ, अगर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी. तो ये बहुत क्रिटिकल रहेगा. इस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे. वो सारे के सारे एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट सेशन के बाद रिपीट करने हैं आपने. ग्राफ्स विल बी मोर ऑफ लाइक कि ग्राफ दिखता कैसा है. अभी आप उसकी रीजनिंग लॉजिक में नहीं जा सकते कि ऐसी ही शेप क्यों बनी, क्योंकि उसके पीछे बहुत चीजों का रोल है, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मल्टीपल चीजों का रोल है. बट यस, ग्राफ दिखते कैसे हैं ये हमें याद होना चाहिए. एंड देन कमिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, आप कह सकते हो कि इस चैप्टर के आपके लिए पहला लिस्ट ऑफ फॉर्मूले. गॉड ब्लेस बेटा. तो आज आपको पहले फॉर्मूले की लिस्ट मिल जाएगी. एंड यू ऑल नो, ये चैप्टर तो भैया फेमस है फॉर्मूले के लिए. तो अब क्योंकि फॉर्मूले शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा संयम से पेशेंटली सुनना, उसको लिख के याद भी करना और सवालों में लगा लगा के प्रैक्टिस भी करना. क्या बात है. ओके बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू. हीत बेटा, खुश रहो. यस बेटा हीत, अभी फर्स्ट आज ही शायद नया बैच शुरू हुआ है. ओके, आज ही नया बैच शुरू हुआ है. एंड ऑफ कोर्स भव्या, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो. अब देखिए आगे, भैया तो मेरे बारे में तुम सब जानते हो, अरविंद कालिया सर, बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं, बस बाकी सब तो ठीक है. पर हाँ, स्टार्ट द सेशन बाय लाइकिंग इट, क्योंकि तुम लाइक करते हो तुम्हारे भाई को बहुत खुशी होती है. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो इस समय ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और उनको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, उनसे जरूर शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा भाई इस चैप्टर को तुम्हारे लिए बहुत आसान बनाने वाला है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जैसा कि मैं कहता भी हूँ, सबवे सर्फर स्क्रिबल, तो यानी कि सब्सक्राइब भूलना नहीं है. आपकी तैयारियां पे रेगुलर चलती है, 4 o'clock से 6:15 तक आपके डेली सेशन चलते हैं, जहां पे पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है सेशन बाय सेशन. देन शाम को चैप्टर खत्म होने के बाद शाम को 8 बजे के स्लॉट में टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और आपका CBT मोड टेस्ट भी लिया जाता है. एंड लेट मी टेल यू, अगला संडे जो है आपका CBT मोड टेस्ट आने वाला है. थोड़ा कमरे कस लीजिए, आपको 2-3 दिन में सिलेबस मिल जाएगा. ओके, सो डू सब्सक्राइब, ताकि आप भी पूरी तैयारी एंड टू एंड कर पाए, राइट. एंड जैसे आप हमारे साथ चैनल पे पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे पेड प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते हैं, और माशा अल्लाह उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बताता है कि आप जब पेड प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हो, यूट्यूब से भी हेल्प लेते हो, रेगुलर पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, हाइब्रिड बना के आप क्या कमाल करके दिखा सकते हो. इतने बच्चे 99% से ऊपर हैं इस बार JEE मेन के, जो 2 अटेम्प्ट हुए हैं. बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के ऐसे रिजल्ट नहीं होते, जो वेदांतु ने करके दिखाया ऑनलाइन, बिकॉज वेदांतु हैज एक्सपर्टीज इन ऑनलाइन कोचिंग. पिछले 7-8 साल से लगातार वेदांतु पढ़ा रहा है. एंड मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 7-8 साल से रिजल्ट आ रहे हैं, बट लास्ट 3-4 ईयर से जो एक रिजल्ट का टॉप रिजल्ट का एक ट्रेंड शुरू हो गया वेदांतु में, वो अनमैचेबल है, राइट. वेदांतु को भी 2-3 साल लगे क्रैक करने के लिए कि ऑनलाइन से कैसे बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट आफ्टर दैट, क्योंकि टोटल 7 ईयर्स हो गए, 2-3 साल इनको भी लगे, बट आफ्टर दैट अब 4 साल और हो चुके, और हर बार वेदांतु ने बेस्ट रिजल्ट दिए, बिकॉज वेदांतु हैज नाउ क्रैक्ड कि ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बेस्ट तरीका क्या है. 18 बच्चों के तो 100% है बेटा JEE मेन में, और लास्ट ईयर 548 स्टूडेंट्स JEE एडवांस क्लियर किए थे, राइट. इसका मतलब समझो. सो अगर आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीजें वहां पे करवाई जाएंगी. लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, पोस्ट क्लास कंटेंट आपको हार्ड कॉपी में मिल जाता है, टेस्ट आपके फोर्टनाइटली होते हैं, 24/7 डाउट ऐप से आपको सपोर्ट होती है, इन क्लास. ये सबसे मेरा फेवरेट फीचर है, मैं हर बार बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ. जो भी कोचिंग लेने वाले हैं,
आपको सिर्फ वेदांतु पे पढ़ना है, बाकी यार यूट्यूब पे पढ़ो, मेरे साथ कोई टेंशन नहीं है, आपको यूट्यूब पे पूरा कराया जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक भी रिसोर्स नहीं छोड़ना है, मुझे कोई स्कोप ही नहीं छोड़ना है कि मेरा कुछ रह जाए, राइट, मेरे को रेगुलरिटी चाहिए, डंडा भी चाहिए, रेगुलर टेस्टिंग भी चाहिए, डिस्कशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपने वेदांतु पे ही पढ़ना है, बिकॉज वेदांतु नोज व्हाट इज ऑनलाइन कोचिंग, एक्सपीरियंस बहुत है वेदांतु का भाई। ओके, सो यहाँ पे डुअल टीचर मॉडल का कंसेप्ट है जो आपको शायद ही कहीं मिलने वाला है, क्योंकि वेदांतु नोज कि ऑनलाइन में सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चा जो फेस करता है वो डाउट में करता है, क्योंकि एक मास्टर टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो बच्चा घर से बहुत डाउट पूछना चाहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगता कि डाउट मेरा ही है या बाकियों का भी है, जिस करके चैट में आप में से कई बच्चे इसके एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, चैट में स्पैमिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक ही डाउट 10 बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि और ने भी पूछना है। तो यहाँ पे क्या होता है, मास्टर टीचर तो क्लास के डाउट लेता ही है, पढ़ाते ही है, बट साथ में बहुत सारे क्लास टीचर बैठते हैं जो एक एक डाउट को क्लियर करने का प्रॉमिस देते हैं आपको कि कोई डाउट रह नहीं जाएगा, राइट। तो इसके बारे में सेशन के एंड पे और डिटेल में बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने आपके लिए प्राइसेस रख दिए, अगर आप वेदांतु प्रो लेने वाले हो 2023 बैच के बच्चे, ये आपके मंथली चार्जेस हैं, ये आपका पूरे कोर्स यानी कि पूरे 2 साल का फीस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा प्रेपरेशन जेई का अलॉन्ग विद सीबीएसई के अंदर। ओके, तो फीचर वाइज आप देख सकते हो कि किस किस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। ओके, तो आप इसके हिसाब से चलते जाएंगे। ब्रीफ में बता दूं कि अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, प्रो प्लस ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं जो दिन रात आप पे काम करते हैं, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपको पुश करते हैं, आपका शेड्यूल बनाते हैं, सब कुछ आपके लिए करते हैं ताकि आप ट्रैक पे रहें, ठीक है। अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो डोंट फॉरगेट, वेदांतु हैज मेड दिस सब्सक्रिप्शन सो मच अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी कि पूछो ही मत, राइट। 2 साल का फीस है ये। सो विद दैट आपको एक मैंने ब्रीफ इंट्रो दे दिया है कि व्हाट इज वेदांतु प्रो, सेशन के एंड पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी तो भाई शुरू करेगा सेशन। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो चलो इसके साथ अब आज का सेशन शुरू किया जाए। किसी का कोई क्वेरी बच गया प्लीज सेशन के बीच में मत पूछना, सेशन के एंड पे पूछना। अब हम सेशन पढ़ने लगे, अब इसकी बारी है, बीच में अब कोई वेदांतु प्रो की बात नहीं करेगा, ठीक है। जिसने लेना है फटाफट ले लो, पहुंच जाओ, वहां मिलेंगे क्लासेस पे भी, बट किसी को कोई क्वेरी है तो सेशन के एंड पे जितनी मर्जी पूछना, बीच में अब भाई तुम्हारा शुरू कर रहा है, अब कोई फ्लो ब्रेक नहीं करेगा भाई का। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो चलो आज का सेशन शुरू करें। पहले एक मैं ब्रीफ सा रिकॉल दे दूं आपको कि आपने लास्ट सेशन में साइन थीटा जब कॉस थीटा जब डिफाइन किए थे, तो एक और ब्रीफ रिकॉल करके चलते हैं ताकि फ्लो बन जाए। हमने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर एक यूनिट सर्कल बना दें और यहां पे एक एंगल थीटा बनाएं, तो ये जो पॉइंट आता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा होता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा होता है। इसको यूज करके हमने बहुत सारी चीजें समझी भी थी, जैसे कि अगर थीटा पाई बाय टू होगा तो कॉस पाई बाय टू 0 होगा, साइन पाई बाय टू 1 होगा, सबको याद आ गया। अगर थीटा पाई होगा तो कॉस पाई माइनस 1 होगा, साइन पाई 0 होगा। ऐसे हमने बहुत सारी वैल्यूज निकाली भी थी। और एक चीज हमने और देखी थी, मुझे चैट में सच्ची बताना किस किस को याद है, हमने ये भी देखा था कि अगर थीटा मैंने क्लॉकवाइज लिया होता, यानी कि एंगल माइनस थीटा होता, तो सर्टेनली ये होता कॉज ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। और हम कह सकते हैं यहां से स्ट्रेट अवे कि इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। आ गया सबको याद, वेरी गुड। तो कॉज ऑफ माइनस थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा सेम होते हैं, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपस में नेगेटिव है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा का नेगेटिव होता है। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने ये चीजें सब देखी थी लास्ट सेशन में। नाउ आई सपोज कि आप टच में आ चुके हो, इसके बेस पे हमने ये कंक्लूजन भी निकाले थे कि साइन कॉस माइनस वन के बीच में रहते हैं और ये हर एक एंगल पे डिफाइंड होते हैं, सिर्फ एक्यूट एंगल पे डिफाइंड नहीं होते, जो हम कहते होते हैं पी बाय एच, बी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है। डिफाइन ये हर एक एंगल के लिए होता है, राइट। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, काफी बच्चों ने आंसर कमेंट में भी दे दिया था, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैच कर लो। कॉस ऑफ 2nπ, ये आपका होमवर्क था लास्ट क्लास का। सर 2nπ ना यहां पे आता है एंगल, तो कॉस 2nπ 1 होगा, सबने यही निकाला था।
cos of 2n plus 1 pi, sir 2n plus 1 pi इधर आता है, odd multiple of pi इधर आता है, तो cos of 2n plus 1 pi minus 1 होगा, शाबाश। Then comes sin of n pi, यानी कि कोई भी multiple of pi का, चाहे वो even multiple हो, चाहे वो odd multiple हो, देखो चाहे even चाहे odd, sin की value तो 0 ही आ रही है, very good, तो sin जो है, किसी भी पाई के मल्टीपल पे जीरो ही रहता है, जीरो ही रहता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या था, फटाफट बताओ। सर जी अभी तो याद किया, अभी तो आपने रिवाइज कराया कि ये ऐसे होते हैं। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको ना डायरेक्टली याद रहनी चाहिए, या अगर याद लगता है कि भूल सकता है तो ये डेफिनेशन इतनी पक्की होनी चाहिए कि आप दिमाग में ही इसको बिठा लो, फटाफट वहीं पर कैलकुलेट कर लो। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जगह जगह पे यूज होंगे और ये आपकी स्पीड बढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसी के बेस पे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिसाइड हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। यहां तो सबको पता है सारे पॉजिटिव है, जब इधर आते हैं तो एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव रहता है, विच मीन्स कॉस नेगेटिव हो जाता है और साइन पॉजिटिव हो जाता है। जब इधर आते हो तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव। एंड आई नीड नॉट टेल यू, अगर cos और sin दोनों नेगेटिव है, मतलब क्या है कि tan जो है वो पॉजिटिव होगा, डू यू ऑल एग्री, तो tan जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इधर आ जाए तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव। तो इसके बेस पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बनाया जाता है कि कौन कौन सी चीज कहां कहां। बिल्कुल, ऋषिका, व्हेन आई से टैन इट ऑब्वियसली मीन कॉट आल्सो, ओके, व्हेन आई से साइन इट ऑब्वियसली मीन कोसेकेंट आल्सो, क्योंकि वो तो उनके रेसिप्रोकल्स ही हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। एग्जैक्टली, ले भाई, तो ये सब हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था एंड आई थिंक अब आपको चीजें याद भी आ गई होंगी। तो अब हम थोड़े सवाल देखते हैं, अब हम सवाल देखने लगे हैं, ठीक है बेटा, सारे यहां पे आ जाओ सवालों पे। सॉरी, पेन तो बंद कर दिया मैंने। ओके, सॉल्यूशन कहता कॉस थीटा जो है ये 5/13 है और थीटा जो है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बाकी सारे रेशो बताओ, बाकी सारे रेशो बताओ। सुनो मेरी बात, जब भी ऐसे सवाल आएंगे, एक वैल्यू दी है, बाकी पूछी है और आपको बताया गया थीटा कहां लाई करता है, इसमें क्या करना है, जो प्लस और माइनस है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो आप क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे, और जो रेशियो है कि यार रेशियो क्या बनेगी, वो आप इससे डिसाइड करेंगे ट्रायंगल बना के। ले भाई सुनो मेरी बात, ये बनाया मैंने ट्रायंगल, मुझे बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। आपने ये नहीं सोचना कि थीटा कितना बड़ा है या कितना छोटा है, आपने सोचना ही नहीं, आपने ट्रायंगल में बिठा देना उसको, समझ गए, ट्रायंगल में बिठा दो। और ये क्या आ गया, 12। नाउ यू कैलकुलेट ऑल द रेशियोस, ठीक है। तो पहली बात, साइन थीटा पी बाय एच, सर जी 12/13, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। अब आप यहां पे यूज करेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव होगा। सारे को चैट बता दो, पॉइंट टेकन, रेशियो ट्रायंगल से निकालनी है और साइन यहां से उठाना है। अब कॉस पता था तो सीकेंट आ गया था अपने आप, और साइन पता था तो कोसीकेंट आ गया था अपने आप। अब बचा टैन और कॉट, तो टैन थीटा 12/5, 12/5, और क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। फोर्थ में टैन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ में टैन क्या होता है, नेगेटिव। यस निवेदिता, यू कैन यूज दैट, तो माइनस। अब टैन आ गया तो कॉट तो आ ही गया, कॉट आ गया -5/12। निवेदिता का एक डाउट बड़ा जेन्युइन है, सर ये मेथड ठीक है बट क्या हम आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। बेटा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे अगर कॉस थीटा पता था और साइन थीटा चाहिए, तो मुझे पता है कि साइन थीटा जो होता है वो प्लस माइनस √1 - cos² होता है, या तो प्लस होता है या माइनस होता है, या प्लस या माइनस, राइट। अब आप क्वाड्रेंट को देखेंगे, क्वाड्रेंट फोर्थ है तो आप डिसाइड करेंगे कि यहां पे माइनस आना है, पॉइंट समझे। ये कहां से आया, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 1,
तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर, और क्वाड्रेंट ने मुझे बताया कि यहां पे माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, राइट। फिर साइन कॉस आ गए तो इनके रेसिप्रोकल आ गए, और इनको डिवाइड करके टेन और कॉट आ गए। डू यू ऑल एग्री, इनको डिवाइड करके टेन और कॉट आ गए। सो दोनों तरह से चल सकते हो, मैं ऐसे प्रेफर करता हूं, मुझे ये ज्यादा फास्ट लगता है, बाकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। शाबाश। एक दो सवाल और देखो पहले, एक दो सवाल और। अगर ये नेगेटिव दिया होता फिर क्या करते, राइट। अब ये नेगेटिव दिया हुआ है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। आओ क्या करते, सुनो। जहां तक तो नेगेटिव की बात है ना, ये ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने कहा भी था, ट्रायंगल में सिर्फ रेशियो बनानी है, ट्रायंगल में सिर्फ रेशियो बनानी है, प्लस माइनस नहीं लिखना, प्लस माइनस क्वाड्रेंट ही बताएगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप जब यहां पे ट्रायंगल बनाएंगे, सुनो ध्यान से, इस माइनस को यहां पे नहीं बनाना, नहीं बनाना, सिर्फ नंबर जो रेशियो है वो लिखनी है, 5, 13 यही लिखोगे। यहां पे आ गया 12। अब आप लिखोगे साइन थीटा, ट्रायंगल से लिखोगे 12/13, और क्वाड्रेंट से देखोगे, क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव होगा, माइनस। फटाफट बता दो, इज द पॉइंट क्लियर, इज द पॉइंट क्लियर। थीटा बताएगा, क्वाड्रेंट बताएगा कि प्लस माइनस क्या लेना है। यहां पे सिर्फ रेशियो बनानी है, ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ रेशियो बनानी है, प्लस माइनस नहीं बनाने यहां पे, वो गलत तरीका है, ठीक है। ओके शाबाश। देन और मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा निकाल लो, यहीं से निकालो या डिवाइड करके बना, मैं कहता हूं साइन कॉस आई या डिवाइड करके निकाल दो, डिवाइड कर दिया बेटा तो 12/5 प्लस के साथ, चाहे तो आप क्वाड्रेंट से भी देख सकते थे, या आपको यहीं पे दिख गया माइनस माइनस कट गया तो 12/5 आ गया। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। एक बच्चा बड़े प्यार से पूछ रहा, हाउ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा मेरे ख्याल से ये वही तो लिखा है और क्या लिखा है, ये यही तो लिखा है और क्या लिखा है बेटा। ओके, सो साइन थीटा टेन थीटा आ गया। अच्छा, और कभी भी ना इससे नहीं डरना, सर ये क्या पूछ रखा है। अरे कुछ नहीं पूछ रखा, बस वैल्यूज रखनी है तुमने, यहां पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 5 × tan θ, tan थीटा को हम निकाल चुके हो, प्लस 13 × sin θ, sin थीटा तुम निकाल चुके हो, डिवाइड बाय 12 × cot θ, अरे इसका रेसिप्रोकल, प्लस 6 × cosecant, अरे इसका रेसिप्रोकल। तो बस इसको कैलकुलेट कर दो, वैसे तो जीरो आ रहा दिख रहा है, न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है, कट कट जीरो। एक बच्चे ने पूछा, सर क्वाड्रेंट में अगर कंफ्यूजन हो गया तो क्या करेंगे। बेटा देखो, अब ये आपको देखना पड़ेगा ना, जीरो से पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पाई बाय टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, और 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। मैंने पहले कहा था, अब डिग्री भूल जाओ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 180 डिग्री से 270 है, ना ना ना, अब तो पाई की टर्म्स में बात करेंगे मैक्सिमम। हालांकि मैं डिग्री लगाता रहूंगा, डिग्री लगाता रहूंगा, सवाल डिग्री में भी दूंगा, बट मैं ज्यादा सवाल रेडियन में दूंगा, ज्यादा सवाल रेडियन में। आपको यूज टू होना है, बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आप रेडियन से कंफर्टेबल हो जाओ, राइट। सो इस तरह से वैल्यूज पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक रहते हैं। एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी देखो, एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी देखो। अब जरा सवाल पढ़ो, यहां पे एक ऐसा पॉइंट मैं तुमको बताऊंगा जो तुमको फ्यूचर में डिफरेंट जगह पे भी हेल्प करेगा, डिफरेंट जगह पे भी हेल्प करेगा। कहता सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा हमें गिवन है, और मुझे कॉस थीटा पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू यू ऑल एग्री, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसका प्रोडक्ट वन होता है, डू यू ऑल एग्री। हां सर, टेंथ में इतना ही तो सीखा है, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर वन होता है, सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर वन होता है, कोसीकेंट स्क्वेयर माइनस कॉट स्क्वेयर वन होता है, सर बचपन बस यही सीखा है। तो डू यू ऑल एग्री, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1/3 होनी चाहिए, डू यू ऑल एग्री।
अगर एक थ्री दिया हुआ है तो दूसरे को वन बाय थ्री होना ही पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे याद रखो, सीकेंट प्लस टेन एंड सीकेंट माइनस टेन ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एक थ्री है दूसरा वन बाय थ्री होगा, एक के है दूसरा वन बाय के होगा। तो यहां पे फ्रॉम दिस वन इंफॉर्मेशन प्राइमरीली यू गेट वन मोर इंफॉर्मेशन। देयरफोर आई कैन ऑल्सो से कि ये चीज वन बाय थ्री है। मोमेंट यू डू दिस तुम्हें सपने लेते हुए दिमाग में आ जाएगा, एड कर दो सीकेंट मिल गया, सीकेंट आ गया तो कॉस आ गया। तो एड किया टू सीकेंट थीटा थ्री प्लस वन बाय थ्री, तो सीकेंट थीटा फाइव बाय थ्री, सो कॉस थीटा थ्री बाय फाइव। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दिमाग में रखना है। सेम फॉर कोसीकेंट प्लस कॉट भी आपको याद रखना है, कोसीकेंट प्लस कॉट एंड कोसीकेंट माइनस कॉट ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो बाय डिफॉल्ट तुमको दूसरे की वैल्यू भी पता है। तो यहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं और इसको रिपीट करने को बोल रहा हूं, इसको रिपीट जरूर करना ताकि ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। वेरी गुड, अब चलेंगे एलाइड एंगल्स की ओर। अब यहां पे ना तुमको एक अच्छे पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कम बताते हैं लोग नॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं बताते नॉर्मली, क्योंकि वो जो चीजें मैं बताने लगा हूं वो मजे के लिए ज्यादा है, यूज उनका इतना ज्यादा नहीं होगा। उसके बिना भी आप फॉर्मूले याद करके आगे चलेंगे। राधर मैं भी एक टाइम के बाद आपको यही सजेस्ट करने वाला हूं कि यार फॉर्मूले याद कर लो, बार बार ना जाओ इसमें, बट अभी टाइम है तो फिर मजा तो लेना बनता है, आओ मजे ले। एक पॉइंट देखो जरा, डेफिनेशन बिल्कुल डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन एक बड़ा प्यारा पॉइंट बताने वाला हूं, वन जीरो, ये मैं यूनिट सर्कल बना रहा हूं, साइन कॉस की डेफिनेशन पे जा रहा हूं। अगर मैं 30 डिग्री बोलूं तो कुछ ऐसा बनेगा, 30 डिग्री यहां पे आएगा कॉस 30, यहां पे आएगा साइन 30। डू यू ऑल एग्री? हां सर, अब तो भी एग्री, नाउ तो भी कंप्लीटली एग्री। अगर मैं तुमको बोलूं 150 डिग्री बनाओ, 150 डिग्री बनाओ, तो कितनों को समझ आता है? जितना ये है ना उतना ही यहां से आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा 150 और एक मैं डॉटेड सा बना दूं, ये 30 होगा। डू यू ऑल एग्री? हां सर, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। मैं बस ये बता रहा हूं कि जितना ये ऊपर है उतना ही ये ऊपर है, और अगर मैं ये समझता हूं तो मेरे ख्याल से मैं वैल्यूज को देखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओए होए ओए, मैं क्या बेटा जिंदगी ना, बस चलो। कितने बच्चे देख पा रहे हैं साइन 30 और साइन 150 बराबर है? सच्ची बोलो कितने जने देख पा रहे हैं? इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम आएगा, क्योंकि जितना ये ऊपर है उतना ही ये भी ऊपर है। सब देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। और ये कितने देख पा रहे हैं? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव है, वो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव है। तो मैं देख पा रहा हूं कि साइन 150 जो है वो साइन 30 के बराबर है, कॉस ऑफ 150 जो है वो कॉस ऑफ 30 के नेगेटिव के बराबर है। नजारे आए? शाबाश। अब सुनो, ये मैं कर क्या रहा हूं, ये मजे क्या ले रहा हूं मैं, ये मजे क्या ले रहा हूं बेटा? मजे मैं ये ले रहा हूं कि मैं आपको ये रियलाइज करा रहा हूं कि कहीं ना कहीं थीटा पे जो वैल्यू है और 180 माइनस थीटा पे जो वैल्यू है उनमें कुछ रिलेशन है। डू यू ऑल एग्री? मैंने अब आपको ये रियलाइज कराया कि साइन और कॉस की थीटा पे जो वैल्यू है और जो 180 माइनस थीटा पे वैल्यू है उनमें कुछ रिलेशन है, या तो वो सेम आ रहे हैं या आपस में नेगेटिव आ रहे हैं, बट एक अच्छा रिलेशन है, बट एक अच्छा रिलेशन है। एग्जैक्टली ऐसे दो एंगल्स को आपस में अलाइड एंगल कहा जाता है। ओपी हो गया, मजा आ गया। तो ऐसे दो एंगल्स जिनके साइन और कॉस की जो वैल्यूज हैं उनमें आपस में रिलेशन है। रिलेशन क्यों है? वो यहां से कुछ कुछ फील होता है, यहां से दिख जाता है,
ओके, तो अब मैं आपको वो सारे एंगल देने वाला हूँ, ये सिर्फ दो एंगल बताएं, ऐसे बहुत सारे एंगल और हैं, तो सारे एंगल देने वाला हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि वो लाइट एंगल कहलाते हैं, और फिर हम उनमें वैल्यूज का, हम उनका रिलेशन निकालेंगे भी, बट यहां पर मैंने आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा दी, तो आपको बेस पता है, अगले सारे वैल्यूज निकालने नहीं बैठ जाना, उनको याद ही करना है, हर बार इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि बना बना के देखेंगे, बट बेस यही है सारा। तो आओ तुमको सिखाऊं अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। दो तरह के पेयर बनते हैं, दो तरह के पेयर, पहला बनता है थीटा एंड एन पाई प्लस माइनस थीटा, सिर्फ पहले पे फोकस करो, सेकंड को छोड़ो, उसके बाद सेकंड पे आएंगे, थीटा एंड एन पाई प्लस माइनस थीटा। हमने जो पिछला देखा वो थीटा और पाई माइनस थीटा था, इसी तरह पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, इसी तरह टू पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, थ्री पाई माइनस थीटा, यानी कि जो वैल्यू साइन कॉस की थीटा पे आती है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द वैल्यू जो कि इस पे आती है, राइट तो आओ उन रिलेशंस को अब याद करें। याद करने का पैटर्न बहुत सिंपल है, तो मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा, आपने पैटर्न से याद करना है, डिराइव करने का मन किसी का भी करे तो फटाफट डायग्राम बनाना, डिराइव हो जाएगा। आ जाओ, तो यहां मैंने बहुत सारे वैल्यूज लिख दिए हैं, आपने देखा होगा कि मैंने डिग्री में सिर्फ दो लिखे हैं, बाकी सारे पाई में लिखे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट कंफर्टेबल विद पाई, आपको पाई से कंफर्टेबल होना है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, ये आपको कंफर्टेबल होना है, तो आओ सिखाओ। नाउ लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारे एंगल जो है, ये थीटा का अलाइड एंगल है, डू ऑल एग्री? यस सर। ये भी थीटा का अलाइड है, ये भी थीटा का अलाइड है, ये सारे के सारे एंगल जो है एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा टाइप के हैं, एन पाई प्लस थीटा या एन पाई माइनस थीटा टाइप के हैं, और कुछ नहीं है, राइट। जब भी ये जो एंगल है ये पाई का मल्टीपल के साथ माइनस थीटा या प्लस थीटा लगा हुआ है, तो इनकी वैल्यू हम थीटा की टर्म्स में निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू हम थीटा की टर्म्स में निकाल सकते हैं। आओ अब सुनो कैसे निकालते हैं, सुनो मेरी बात, जब भी यहां पे पाई के मल्टीपल आएंगे ना, अब सुनो, अब सबने पैटर्न याद कर लेना है, लॉजिक समझ लिया है, अब पैटर्न याद करना है, जब भी यहां पे पाई के मल्टीपल होंगे आपने इस फंक्शन को सीधे थीटा पे लिख देना है, इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू टेन थीटा, इज इक्वल टू साइन थीटा। सर सीरियसली? नो, एक स्टेप और करना पड़ेगा, अभी हमने एक स्टेप किया, ठीक है, तो दो स्टेप हैं पैटर्न में। अब सुनो, पहला स्टेप क्या था, इसको सीधे इस पे लगा दो, इसको सीधे इस पे लगा दो, 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 ये पहला स्टेप। अब आता है दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, आप देखोगे कि ये ग्रीन एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। बेटा सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, यहां बहुत बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ये था पाई, ये था पाई, व्हेन आई से पाई माइनस थीटा का हमेशा मतलब, और सुनो मेरी बात, मैं पहले बता दूं, जो मैं अभी सिखा रहा हूं वो एक पैटर्न है, ओके, आप कह सकते हैं कि वो एक शॉर्टकट है, आपने उसमें लॉजिक नहीं ढूंढना, आपने उस पैटर्न को याद करना है और अप्लाई करना है, इसमें कुछ जगह पे आपको ठीक भी लगेगा, कुछ जगह आपको गलत भी लगेगा, मैं एक दो स्टेटमेंट बोलूंगा जो आपको लगेंगे ये क्या बात बनी भैया, शॉर्टकट है, कुछ जबरदस्ती होगी तो सह लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आ जाओ, जब भी माइनस थीटा बोला जाएगा तो इसका मतलब होगा जस्ट पीछे वाला क्वाड्रेंट, तो इससे जस्ट पीछे वाला क्वाड्रेंट सेकंड, जैसे ही आप क्वाड्रेंट देखेंगे उस क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन जो है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो यहां पे प्लस लगा दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको यूज कैसे करेंगे टेंशन ना लो, सब देखेंगे, पर पहले पैटर्न से याद करो वैल्यू निकालनी कैसे है। अच्छा आ जाओ यहां पे, अब मुझे पाई प्लस थीटा देखना है, ये रहा पाई, प्लस थीटा का मतलब हमेशा होगा जस्ट नेक्स्ट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड हो गया, थर्ड में बताओ साइन क्या होता है, थर्ड में साइन क्या होता है? सर थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव है तो यहां पे माइनस लगा देना है,
मैं रिपीट कर दूं, ना लॉजिक ढूंढना है ना कोई सेंस ढूंढनी है, ये एक शॉर्टकट है, एक तरीका, एक पैटर्न है आंसर निकालने का, आपने वो निकालना है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी अभी हम सवालों में देखेंगे, अभी के लिए पैटर्न पी जाओ बस। ओके आ जाओ आगे। मैंने कहा कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा, पहला स्टेप था इसको थीटा पे लगाओ, दूसरा है क्वाड्रेंट देखो, धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएंगे, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पे लगाया माइनस। अब मुझे तुम बताओगे बेटा, मैं तुमसे पूछने लगा हूं, पहले मुझे ये बताओ टू पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, टू पाई मैंने बना दिया है, 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट। सर माइनस का मतलब जस्ट पीछे वाला क्वाड्रेंट। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, सर नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज नेगेटिव, तो माइनस। तो सिमिलरली साइन है, 2 पाई प्लस थीटा है, तो अब मैं सोए सोए भी कर दूंगा 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। तो हमने इन बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू को छोटा थीटा की टर्म्स में निकालना सीखा है। थोड़ी और प्रैक्टिस करते फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, आओ वहां चलो। अब बेटा अब तुम मुझे बताओगे फटाफट, ओके स्पीड बढ़ानी है अब आपने, 3 पाई प्लस, अच्छा पहला स्टेप तो कर दूं सर जी, पहला स्टेप तो कर दो, पहला स्टेप तो सीधे थीटा पे लगा दो, कॉस थीटा टेन थीटा सीकेंट थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, पहला स्टेप तो यही रहेगा। अब सेकंड स्टेप पे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सर थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे झूठ नहीं सच्ची चीज बताना, किस बच्चे ने सीधे सीधे ये ऑब्जर्व कर लिया था कि यार 3 पाई यहां पे होता है, पाई के ऑड मल्टीपल इधर होते हैं, पाई के इवन मल्टीपल इधर होते हैं, किस किसने सीधे ऑब्जर्व किया था कि 3 पाई यहां होगा तो प्लस थीटा, सर जी सेकंड क्वाड्रेंट। अरे क्या बात है, ऑलमोस्ट सबने कर लिया था, सभी ने कर लिया था, अरे दिल खुश कर दिया बेटा, वेरी गुड। और सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव माइनस, तो इसी लॉजिक से फटाफट बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसी लॉजिक से ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 7 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा, सेम लॉजिक से बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सर सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, 7 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वो हमेशा इधर होता है, माइनस थीटा क्या तो जस्ट पीछे वाला, माइनस थीटा जस्ट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन होता है नेगेटिव, तो यहां पे आ गया माइनस। तो बेटा अब तो मेरे को लगता है तुम्हारी गाड़ी जो है ना चल पड़ी है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। 8 पाई प्लस थीटा, सर जी 8 पाई इधर होता है, पाई के इवन मल्टीपल उधर होते हैं, प्लस थीटा कर दिया सर जी आगे, प्लस का मतलब जस्ट नेक्स्ट, माइनस मतलब जस्ट प्रीवियस, फर्स्ट क्वाड्रेंट सर जी सारे पॉजिटिव है, सोचो ही मत प्लस लगा दो। तो बेटा मैं कहता हूं अब अगले भी फटाफट कर ले, 360 प्लस थीटा सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 का इवन मल्टीपल है सर जी, 5 into 180 ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, शाबाश। तो ऑड मल्टीपल किधर आ गया सर जी, इधर होगा 5 into 180, माइनस थीटा किया तो पीछे सेकंड, ओ शाबाश सेकंड में आ गया नेगेटिव। तो हमें कुछ बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू को थीटा की टर्म में निकालने का हमने पैटर्न याद किया। तुम में से किसी का भी मन हो इनको प्रूव करने का, आपने वही लॉजिक लगा के प्रूव कर लेना जो मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया है आपको, ठीक है। वैसे कितनों को सीधे दिख रहा है, झूठ मत बोलना, कितनों को सीधे दिख रहा है, इसी सवाल में अगर मैं 210 डिग्री की बात करता, 210 तो वो ऐसे आता, 30 प्लस 180 ऐसे 210, और ये वैल्यू जो है कितनों को दिख रहा है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे उसके, कितनों को दिख रहा है, एक्स भी उसका नेगेटिव हो गया, एक्स भी नेगेटिव हो गया, वाई भी नेगेटिव हो गया। तो आप यहां से बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो अगर चाहो, जरूरत नहीं है, बस मजे के लिए है, आपने किसी के आगे फंडे मारने हो, मजा करना हो ना तो कर लेना। ओके आ जाओ अब आ जाओ आगे। तो यहां पे ये दो पॉइंट आपने एज अ रिजल्ट याद कर लेने,
ये बहुत ज्यादा काम आएंगे सवालों में, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे सवालों में। साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर एक थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा, यही होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दो क्वेश्चन, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, तो ये रहे सप्लीमेंट्री एंगल। और हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो पाई माइनस थीटा पे होती है वो माइनस, वो प्लस ऑफ साइन थीटा होती है, वो प्लस ऑफ साइन थीटा होती है। तो साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। पी जाओ, मैं कहा बुरे हाल से पी जाओ। अब आप मुझे जवाब दोगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा बेटा, कितने जने फटाफट ये देख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, साइन ऑफ 150 विल बी सेम एज साइन 30, साइन ऑफ 120 विल बी सेम एज साइन 60। कितने जने देख सकते हैं फटाफट बताओ? शाबाश। एग्जैक्टली सर, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, साइन बराबर आने वाला है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, साइन बराबर आने वाला है। बहुत बढ़िया, ऐसे जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल लिखोगे साइन बराबर ही आएगा, नो डाउट। हमने लगाया तो यही है बेटा, पर बात है कि अब हमने इसको याद कर लिया, क्योंकि ये इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम। ओके, कॉस के केस में नेगेटिव हो जाता है, वी नो दैट। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जब निकालते हैं तो वो माइनस कॉस थीटा आता है। तो जब हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स पे कॉस निकाला तो वापस में नेगेटिव आ रहा था, वापस में नेगेटिव आ रहा था। तो जरा बताओ कितनों को पता लगता है कि कॉस ऑफ 120 जो है वो माइनस कॉस 60 होगा? कितनों को पता लगता है कॉस ऑफ 150 जो है वो माइनस ऑफ कॉस 30 होगा? शाबाश, चकरे फटे नजारे, वेरी गुड। तुम एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, अगर तुमको 0 से 90 वाले एंगल पता है, वो 30, 45, 60, 90, तो तुमको अब 90 से 180 वाले भी पता है, 120 पता है, 150 पता है। तुम देख रहे हो, तुमको अब वो भी पता है, तुमको अब 90 से 180 भी सारे पता है। सो जिस तरह से तुमको 0 से 90 वाले याद होते हैं, 90 से 180 वाले भी उतनी ही आसानी से याद होने चाहिए, क्योंकि साइन में तो सेम ही रहते हैं, कॉस में नेगेटिव हो जाते हैं। अब आओ 90 डिग्री में क्या होता है? यस ऑफ कोर्स बेटा, राउंड, वेरी गुड। अगर 90 के मल्टीपल आ जाए, अब ये आ गया सेकंड कैटेगरी ऑफ एलाइड एंगल्स। अब 90 के मल्टीपल में क्या होता है? देखो मेथड सारा सेम रहेगा, अगर यहां 90 के मल्टीपल्स हैं, टू बी प्रिसाइज 90 के ऑड मल्टीपल, 2 × π/2 मत कर देना, तो पाई होता है, तो फिर पाई वाला मेथड ही लगेगा, ठीक है। यहां जो सीखने लगे वो तब है जब यहां पे 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। पहला स्टेप थोड़ा अलग है, दूसरा स्टेप बिल्कुल सेम है। सर पहले स्टेप में क्या फर्क है? जब भी यहां 90 का मल्टीपल होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री बनकर इस पे आएगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बनकर आएगा। और जहां तक प्लस माइनस की बात है, वो पुराना काम ही करना है, पर इसमें भी एक चीज का बहुत ध्यान रखना है बेटा, 90 प्लस थीटा, ये रहा 90, ये किया प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान ये रखना है कि तुमने इसको देखना है, ये कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां माइनस। बच्चे गलती से ना फ्लो में इसको देखने लग पड़ते हैं, नहीं इसी को देखना है, बस और कुछ नहीं। तो चलो अब तो आसान हो गया, पहले ये कॉम्प्लीमेंट्री बन के जाएगा इधर, फिर हम देखेंगे क्वाड्रेंट। भैया 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सोचना ही नहीं है, प्लस है। कॉस यहां पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल, कॉम्प्लीमेंट्री बन के या इधर कॉम्प्लीमेंट्री बन के। अब आया 3π/2, देखो ध्यान से, ये π/2,
टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, तीन बार पाई बाय टू लिया, प्लस थीटा मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों ने सही जवाब दे दिया, दिल खुश हो गया, सर जी इसको देखना है, और ये जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सबको चमक का कॉन्सेप्ट अब, सो गुड, सो गुड, वेरी गुड। तो पहले ये बना कॉट, अब देखिए क्वाड्रेंट, फिर से वही पाई बाय टू, टू इंटू पाई बाय टू, थ्री इंटू पाई बाय टू, फोर इंटू पाई बाय टू। मैंने चार बार पाई बाय टू लिया, पूरा चक्कर बन गया, मुझे एक और पाई बाय टू जाना है, तो कहां जाएगा? सर जी और आगे ले जाओ, पांच बार लगा दो पाई बाय टू, वेरी गुड। फाइव पाई बाय टू माइनस थीटा, यानी कि जस्ट पीछे वाला पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही अब सेवन पाई बाय टू, बेटा यहीं से कंटिन्यू कर ले, यहीं से कंटिन्यू कर ले। फाइव पाई बाय टू यहां पर आया था, तो यहां पर कितना आएगा? सिक्स पाई बाय टू, यहां पर कितना आएगा? सेवन पाई बाय टू। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, थर्ड में, थर्ड में आ गए, वेरी गुड। तो आओ देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, यार ऐसा कर लो, सुसु ऐसा कर लो, थ्री पाई बाय टू क्या है, सॉरी सेवन पाई बाय टू क्या है, थ्री पॉइंट फाइव पाई। डू यू ऑल एग्री कि थ्री पॉइंट फाइव पाई है ना, ज्यादा चक्कर क्यों काटने हैं, थ्री पॉइंट फाइव पाई है। तो थ्री पाई तो यहां पे होता है, मुझे पता ही है, थ्री पाई तो यहां पे होता है, पॉइंट फाइव पाई और लगा दो, अब समझ आ गया, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट थ्री पॉइंट फाइव पाई, तो थ्री पाई तो यहां पे आएगा, उसमें पॉइंट फाइव पाई और लगा दो, तो यहां पहुंच गए, कितना आसान हो गया। सो माइनस थीटा यानी कि पीछे, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। तो इसमें सब कुछ सेम है, फर्क क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, बस ये दिमाग में रखना है। तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ ओरली, इसकी वैल्यू ओरली बताओ फटाफट, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा फटाफट बता दो ओरली। पहला स्टेप मैं कर देता हूं, कॉस थीटा मैं लिख देता हूं, आगे बताओ प्लस आना है माइनस आना है, प्लस आना है माइनस, प्लस माइनस बता दो बस मेरे को। सबने ठीक किया, बिगनिंग में दो बच्चों ने गलती कर दी। बेटा दो बच्चों ध्यान से सुनो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और तुमने फिर वही गलती की, सेकंड में है, देखना किसको है? इसको देखना है, अब गलती नहीं होगी, इसको देखना है बेटा। वैल्यू तो इसी की निकाल रहे हो ना, वो तो आई है वैल्यू, निकाल तो इसी की रहे हो, तो इसको देखना है, सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस। अब कोई गलती नहीं करेगा, शाबाश। तो बेटा मेरे ख्याल से अब ये मैं तुमको एज होमवर्क दे सकता हूं, राइट? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं होमवर्क, शाबाश। अब इसके हमने सवाल करने हैं बहुत सारे, अब हमने इसका एप्लीकेशन देखना है, सवाल देखने हैं बहुत सारे, ठीक है। बिगिनिंग में पहले कुछ आसान देंगे, फिर बड़ा करते जाएंगे एंगल्स को, ताकि आप कंफर्टेबल होते जाओ। एक बच्चा कहता होमवर्क डन। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूँ जो कि आज नहीं काम आएगी, कुछ टाइम के बाद काम आएगी, बट वो ऑब्जर्वेशन आज ही कर लो। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं, सोच के देना, सोच के जवाब देना, साइन 30 डिग्री इज सेम एज साइन 150 डिग्री, किसी को डाउट नहीं है, राइट? किसी को डाउट नहीं है, सर सप्लीमेंट्री पे साइन तो बराबर होता है, पता है मेरे को। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नो सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन का कॉस, राइट? कर सकते हैं पक्का, राइट? सो एक ये, एक ये, इनको ध्यान से देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इज सेम है साइन 150, हमने कैसे किया? हमने कुछ नहीं किया, हमें यह पता था कि साइन 150 जो होता है वो साइन ऑफ 180 माइनस 30 होता है, तो हमने कहा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो हमने कहा साइन ऑफ थीटा, तो ये दोनों बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं आई। इधर आए, उसने कहा साइन 30, तो हमने कहा साइन 30 जो है ना वो साइन ऑफ 90 माइनस 60 होता है, अब क्योंकि 90 था तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बना कॉस 60, तो ये इसके बराबर आया। अब बात ये है, एक इसको याद करने का तरीका, और एक इसके जो यहां पे, जहां पे गंदगी आ सकती है, वो हमें ये दो चीजें सीखनी है। ये तो आसान है, सप्लीमेंट्री पे साइन सेम रहता है, इसमें क्या याद करना है?
इसमें आप याद करोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बराबर होते हैं, ऐसे याद करना है। अब रियाज, अब देखो, अब तुमको मजा आया बेटा, पर ये बात बताऊं, फाइनली इसकी ओर बढ़ना है हमें, फाइनली इसकी ओर बढ़ना है। अभी मैं आपको आसान आसान तरीके दे रहा हूं याद करने के, बट फाइनली बढ़ना है इसकी ओर, जो मैंने ये करके दिखाया है। तो हमने याद तो ऐसे कर लिया एग्जैक्टली, तो सप्लीमेंट्री पे साइन सेम, कॉम्प्लीमेंट्री पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम, मैंने ऐसे याद किया। अब सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम कहां पे आती है, जैसे ही मैं ऐसे लिखूंगा हल्की हल्की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये इतना खूबसूरत नहीं लगता, मानते हो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता, यहां पे आके हल्की हल्की दिक्कत आती है। डू यू ऑल एग्री? अब वो दिक्कत क्यों आई? दिक्कत कॉन्सेप्ट की नहीं है, दिक्कत इस बदसूरत एंगल की है जो आपको खूबसूरत नहीं लगता, जो हमें खूबसूरत नहीं लगता। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल ही है, इनको ऐड करो पाई बन रहा है, देख लो, इनको ऐड करो पाई बन रहा है, इनको ऐड करो पाई बन रहा है, राइट? 30 को पाई बाय 6 कहते हैं, तो 150 5 पाई बाय 6 है, तो नहीं लिखा तो सेम बेटा, सेम ही है, मैं बस ये बता रहा हूं कि थोड़ा कम खूबसूरत लगता है। एग्जैक्टली इसीलिए अब जितने सवाल आगे पाई के आएंगे, बिगिनिंग में आपको कम खूबसूरत लगेंगे, बट धीरे धीरे आपको कंफर्ट बिठाना है उसके साथ, और इधर तो और भी बदसूरती लगेगी। देखो, आओ, साइन ऑफ पाई बाय 7, अब मैं ये नहीं लिख रहा, मैं कोई और लिख रहा हूं, क्योंकि ये लिखूंगा तो फिर पता ही लगेगा, मजा नहीं आएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखना तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, देखना। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 7 क्या होता है भाई? 14, 7 पाई माइनस 2 पाई, 5 पाई बाय 14। ये देखो कितना बदसूरत लगेगा तुमको, तुम कहोगे मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, गंगा नहाऊंगा, एक वही जगह बची मुझको बचा पाएगी। साइन पाई बाय 7 इज कॉस 5 पाई बाय 14। देखो कितना, मतलब क्यों, देखो मैंने पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 7 किया तो 5 पाई बाय 14 ही आया है, तो पाई बाय 7 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5 पाई बाय 14 होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर होते हैं। तो कहने का मुद्दा क्या है बेटा? मुद्दा ये है, जहां जहां ये पाई के कैलकुलेशन आएंगे वो हल्के से तंग करेंगे। बिगिनिंग में सवाल में ना इसको ये लिखा होगा, एक बार तो तोते उड़ जाएंगे, पर डरना नहीं है, तोतों को बिठा के रखना है, साइड पे चेक करना, वो आपस में कुछ अच्छे एंगल बन रहे होंगे। ठीक, शाबाश। तो आओ अब अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू करते हैं। आपके लिए मैंने रेफरेंस सेट कर दिया है, और जो रेफरेंस सेट किया है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, और एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको बताने के लिए कि सवालों में कैसे आपका दिमाग लगेगा। ये पूरी चीज लिखी होगी और उसने एक स्टेप में इसको 1 कहा होगा, 2 कहा होगा, और तुमको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या कर दिया भाई, कैसे ये बदतमीजी क्यों की गई हमारे साथ। तो वहां पे आप देखोगे कि यार ये देखो पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, ये वाले दो टर्म, ये दो टर्म देखो क्या कुछ खूबसूरती दिख रही है? देखो जरा कुछ खूबसूरती दिख रही है? एक मिनट को, हाँ, इनका सम 90 है, इनका सम 90 है, दिख रहा है? अच्छा, अब सुनो मेरी बात, चलिए काम करते हैं, मैं काम करता हूं, शुरुआत इजी से करता हूं, एंड पे जाके बम फोड़ते हैं, एंड पे बम फोड़ते हैं। आप बताओ कितनों को दिखता है कि ये और ये बराबर है? कितनों को दिखता है ये दोनों बराबर है? कितनों को दिखता है, टेल मी। पहला स्टेप आसान करते हैं, फिर सेकंड स्टेप पे बम फोड़ेंगे। ये और ये बराबर है, कितनों को दिखता है? एग्जैक्टली सर, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों को जोड़ दिया, यहां लिख देते हैं, और लिख दिया 2 टाइम साइन स्क्वायर पाई बाय 8, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, अब ये कितनों को दिखता है कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है? हां सर, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल। तो 2 टाइम साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8,
और अब आएगा असली बॉम्ब, असली बॉम्ब अब आने वाला है। यहां से टू कॉमन निकालो, अब ये बताओ ये कितनों को दिखता है, अब जो लिखने लगा हूं वो कितनों को दिखता है। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, ये बताओ ये कितनों को दिखता है। यहां पे जाके तोते उड़ेंगे जब सवाल होंगे, जब सवाल होंगे यहां पे जाके तोते उड़ेंगे। साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 जो है वो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 के बराबर है। वेरी गुड, 3 पाई बाय 8 एंड पाई बाय 8 दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनका सम पाई बाय 2 बन रहा है, इनका सम पाई बाय 2 बन रहा है, यस और नो? इनका सम पाई बाय 2 बन रहा है, यस सर। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका साइन और इसका कॉस बराबर होंगे, तो साइन 3 पाई बाय 8 को कॉस पाई बाय 8 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2 × 1 दैट इज 2, और वो उसने डायरेक्टली लिखा होगा, वो उसने डायरेक्टली लिखा होगा। तो मुद्दा बस ये है कि जब भी एंगल्स पाई में होंगे, आई मीन ये रेडियंस में होंगे, एक बार सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री को ना अलग से रफ में चेक करते रहना, इन दोनों का सम चेक कर लिया, इन दोनों का सम, इनके ना सम चेक करते रहना। जहां पे सप्लीमेंट्री दिखे तुमको पता है क्या यूज करना है, जहां कॉम्प्लीमेंट्री दिखे तुमको पता है क्या यूज करना है। ओनली थिंग इज कि क्या तुमने वो चेक किया या नहीं किया, बस यही बात होगी कि आपने चेक किया नहीं किया। मैंने यहां चेक कर लिया था कि पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और मुझे दिख गया था कि मुझे वैल्यू 2 चाहिए, तो पक्की बात अंदर 1 बन रहा होगा। अंदर 1 कैसे बनेगा, अगर ये साइन स्क्वायर है तो यहां कॉस स्क्वायर होना चाहिए तभी यहां 1 बनेगा, तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया। और जब कॉस में कन्वर्ट करना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पाई बाय 8 होता है, ये था। तो आपने थर्ड वाले को रिपीट जरूर करना है, अभी इमीडिएटली तो नहीं, आगे जाके ऐसी कैलकुलेशंस यूज होने वाली हैं, वहां पे जब यूज होनी शुरू होंगी मैं रिपीट करूंगा, बट अगर आपने आज रिपीट कर लिया तभी मेरे उस रेपिटेशन का पूरा फायदा उठा पाओगे। ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको याद होती है 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे 90 पे, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मेंशन बट आई विल मेंशन, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में याद भी क्या करने को कहा है, रेडियन से कंफर्टेबल हो, तो जितना कंफर्टेबल हो सकते हो जाओ, रेडियन मत छोड़ो, रेडियन बड़े इंपॉर्टेंट है, पाई 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 ही आने वाले हर जगह अब। एग्जैक्टली, अब ये वैल्यू तो याद है, अब इनको यूज करके कुछ बड़ी वैल्यूज निकालते हैं, कुछ बड़ी वैल्यूज। पधारो मारे देश रे, पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये वैल्यूज ओरली निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको एक कंसेप्ट बता दिया गया है, क्योंकि उनको एक कंसेप्ट बता दिया गया है, बस ये बताओ यस और नो, ए से लेके एच तक वैल्यूज ओरली निकाल सकते हैं क्योंकि उनको बता दिया गया है सप्लीमेंट्री पे काम क्या बनता है। ओए शाबाश, ओए फटे चुकते चुकते फटे नजारे आ गए, वेरी गुड। तो हम इनको सप्लीमेंट्री के कंसेप्ट से करेंगे, वेरी गुड। साइन 120 साइन 60 के बराबर होगा, एंगल को सप्लीमेंट्री बना दो, और ये मुझे पता है कि रूट 3/2 है, बहुत बढ़िया जा रहे हो। साइन 135 साइन 45 बन जाएगा, सप्लीमेंट्री पे आ जाएगा 1/√2, ये अपने सप्लीमेंट्री पे चला जाएगा साइन 30 तो हाफ, ये अपने सप्लीमेंट्री पे चला जाएगा 0, साइन ऑफ 0 होता ही 0 है। पॉइंट ये नहीं है कि आपको 180 माइनस थीटा करके मैं मतलब करना या नहीं करना है, पॉइंट इज अगर आपने सप्लीमेंट्री वाला पॉइंट याद कर लिया तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि कायदे से मैं बता दूं, कायदे से इसका मेथड ये है, कायदे से अगर एक एक स्टेप लिखना है, साइन 120 लिखोगे फिर उसको लिखोगे साइन ऑफ 180 माइनस 60, ऐसे लिखोगे, फिर तुम कहोगे ये बन गया 180 माइनस थीटा। जब भी ऐसे होता है तो मुझे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है कि साइन डायरेक्टली थीटा पे जाएगा, फिर आप क्वाड्रेंट देखोगे 180 माइनस थीटा, सर जी सेकेंड क्वाड्रेंट है तो यहां पे प्लस लगाओगे, ये इसका डिटेल्ड मेथड है, ये इसका डिटेल्ड मेथड है, मेरा पॉइंट समझ गए। और मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं करना, यहां करने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे,
बट यहाँ पे तो टाइम बचा सकते हैं, वहां तो बचाएंगे। बिल्कुल, कायदा और कानून यही है, कायदा और कानून तो यही है। गॉड ब्लेस यू बेटा, आ जाओ अब सेम सप्लीमेंट्री पे ले जाओ। माइनस कॉस 60 तो माइनस हाफ, कॉस में सप्लीमेंट्री पे नेगेटिव हो जाता है। सप्लीमेंट्री पे ले जाओ, कॉस 45 माइनस 1 बाय रूट 2, कॉस 150 माइनस कॉस 30, मतलब अभी कुछ नहीं बनेगा, कोई तंगी नहीं करेगा आपको। कॉस 0 माइनस माइनस 1। और फिर से बता दूं, कायदा तुमको पता होना चाहिए, कायदा नहीं छोड़ना, क्योंकि फाइनली वो भी लगना है। कॉस ऑफ 120, अगर मैं कायदे से निकालना चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप, इस 120 को 180 की टर्म्स में लिखूंगा और फिर मैं कहूंगा ये मेरा बन गया फॉर्म, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। जैसे कि निकालने का तरीका क्या है, कॉस जाएगा थीटा के ऊपर, फिर आप देखोगे क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस हाफ आंसर आया। यस ऑफ कोर्स रियाज, स्कूल में आपको ये कायदे से लिखना पड़ेगा, स्कूल में ये कायदे से लिखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। यस बेटा, अब देखो जहां पे हमें थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है कायदे की, अब आ जाओ कायदे पे। यहां पे कायदे के बिना बात नहीं बनेगी। साइन 1050, अब ये इतना बड़ा एंगल है कि यहां पे तो कायदे पकड़ने पड़ेंगे। ढूंढो 180 का मल्टीपल जो इसके बहुत पास हो, ढूंढो 180 का मल्टीपल जो इसके बहुत पास हो। सर जी दो चीजें दिमाग में आ रही हैं, 900 भी इसके पास होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन, एक काम करते हैं, वेट सर, या तो मैं इसको 900 पे लेके जा सकता हूं, 5 × 180 900 प्लस 150, एक ये तरीका दिमाग में आता है सर, या फिर ना एक और मल्टीपल, अगला मल्टीपल ले लेते हैं 6 × 180 माइनस, ये कितना बन जाएगा भैया 30। डू यू एग्री, दोनों तरह लिख सकते हैं, हम दोनों से करेंगे ताकि पेपर में जो मर्जी दिमाग में आए कंफ्यूजन ना हो, पेपर में जो मर्जी आ जाए कंफ्यूजन ना हो। अब सुनो, जब भी कोई बड़ा एंगल आएगा आप 180 का मल्टीपल ढूंढेंगे जो उसके पास है। मान लो आपने ये वाला मल्टीपल ढूंढा, सुनो मेरी बात, मान लो ये ढूंढा, अब आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल का, 6 × 180 माइनस थीटा। जब भी ऐसा फॉर्म बनता है तो पैटर्न कहता है कि इसको सीधे इस पे ले जाओ और फिर क्वाड्रेंट देखो। सर जी 6 × 180 इधर 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 आता है, इधर आता है इवन मल्टीपल, माइनस थीटा, माइनस मतलब जस्ट पिछला क्वाड्रेंट, तो सर जी फोर्थ क्वाड्रेंट है नेगेटिव, तो आंसर आ गया माइनस हाफ। एवरीबॉडी एग्रीज विद दैट, मेथड बड़ा नहीं है बट यस कायदे से करने वाला स्टेप है, कायदे से आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। एग्जैक्टली, अब आओ इधर मेथड पे, अल्टरनेट। अब यहां पे तुमको एक नई चीज मिलने वाली है, ध्यान से सुनना, यहां पे आपको एक नई चीज मिलने वाली है, ध्यान से सुनना। आपने फिर से फॉर्मेट लगाया साइन ऑफ 180 का मल्टीपल प्लस थीटा, तो मेथड कहता भी साइन को थीटा पे ले जाओ और अब देखो क्वाड्रेंट। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा, अगर ध्यान से सुनोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर नहीं सुना हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। सुनो, 5 × 180 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, मैंने तुमको कहा था प्लस थीटा मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं इसको यहां लेके जाऊंगा। तुम मुझे बोलोगे सर जी थीटा तो 150 है, अगर ये 150 है तो फिर तो ये इधर जाना चाहिए था, यही बोलोगे, गलत नहीं बोल रहे पर बोलोगे यही, सही बोल रहे हो। अब सुनो मेरी बात बेटा, मैंने क्या कहा था कि ये जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया है, ये जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया है, क्या ये लॉजिक बेस्ड है, रीजनिंग बेस्ड है, या सिर्फ एक मेथड, एक पैटर्न है जिसको यूज करके हम आंसर निकालते हैं, बताओ। मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था इसमें लॉजिक ढूंढने है, रीजनिंग ढूंढनी है? नहीं सर, आपने नहीं बोला, आपने कहा था इसको याद कर लेना है, इसमें लॉजिक रीजन नहीं ढूंढने। एग्जैक्टली, लॉजिक रीजन नहीं ढूंढने, क्योंकि एक शॉर्टकट है, एक पैटर्न बेस्ड मेथड है जिससे आंसर आते हैं। तो सुनो मेरी बात, अगर मैंने तुमको कहा है कि प्लस थीटा
मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट एंड माइनस थीटा मतलब पिछला क्वाड्रेंट, तो आपने वही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ही काउंट करेंगे, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लगा, हेंस आप आंसर दे देंगे। अब आपको 150 सीधे याद है कि वो 30 के बराबर है तो माइनस हाफ। मुझे पता है कुछ को दिल में आएगा गुस्सा, सर ये गलत बात है, सर ये तो बहुत गलत बात है सर। बेटा पर बात वही है, ये शॉर्टकट है, एक पैटर्न बेस्ड मेथड है, इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना। तो प्लस थीटा को हमेशा जस्ट नेक्स्ट क्वाड्रेंट लेना है और माइनस थीटा को हमेशा जस्ट पिछला क्वाड्रेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब जरा सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 405 जगह है आगे, इन्होंने कर दिया हुआ यार, कहाँ करें, हमारे पास जगह ही नहीं बची। चलो यहाँ कर लेते हैं, आ जाओ 405 देखो बेटा, कॉस ऑफ 405, ये तो घटिया है, ये तो बहुत घटिया सवाल है। और डू यू एग्री, कितनों को समझ आ रहा है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, कितनों को समझ आ रहा है, ये तो बहुत ही घटिया सवाल था, दिल ही नहीं कर रहा सॉल्व करने को, ये तो बहुत ही घटिया हो गया ना। ये तो मैं विजुलाइज ही कर सकता हूं कि 45 के बराबर है, याद करो सबसे बिगनिंग में यही तो किया था, 45 डिग्री एंड 360 प्लस 45, बात तो एक ही है, ये तो बिगनिंग में विजुलाइज कर चुके हैं। तो यहां तो मैं तोड़ने में टाइम भी नहीं लगाऊंगा, सीधे बोलूंगा ये 45 के बराबर ही वैल्यू आने वाली है। जब डायरेक्शन सेम है तो वहां वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन सेम है तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक। तो इसमें टाइम भी नहीं लगाना, वेस्ट ही नहीं करना, ओके। बाकी ये आसान है, ये तो मतलब माइनस साइन में माइनस बाहर आता है और कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, हमने सीखा था। तो माइनस साइन 30 तो माइनस हाफ, कॉस 60 तो प्लस हाफ, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में अंदर खत्म हो जाता है। ले भाई अब तूने फट्टे तो चुक दिए, वैल्यू तो तुमने निकाल ली बड़ी बड़ी, एक काम करते हैं। हाँ। बेटा अब आ गया असली मुद्दा, मगर चैट में कोई आग लगाओ, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए होगी, वरना मैं भी रो दूंगा तुम भी रो दोगे। अब जो होने वाला है ना बेटा, उसमें तुमने भी रोना है मैंने भी रोना है, सो एनर्जी लेके आओ, पहले एनर्जी आएगी तो ये सवाल होंगे, वरना तो फिर आंसू निकलने वाले हैं, वरना आंसू निकलने वाले हैं, फटाफट एनर्जी ले आओ। हालांकि मैं तुमको मेथड दूंगा, एक सोचने का तरीका दूंगा, बट सर जी चलो हरिद्वार आ जाओ, सुनो मेरी बात, जहां तक तो बेटा जीरो से पाई तक बात है, जीरो से पाई तक ये तुमको याद रखने हैं, इसमें आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जीरो से पाई तक। ओए सॉरी यार क्या दब जाता है मुझसे हमेशा प्लस ये, वेट अ मिनट ओके जरा कोशिश करो जीरो से पाई तक सारे एंगल्स को पाई में लिखने की, बेटा सारे कोशिश करो, जीरो से पाई तक जितने भी एंगल हैं उनको पाई में लिखने की कोशिश करो, रेडियन में लिखने की कोशिश करो, जीरो से पाई तक सारे। सो जीरो पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री, पाई बाय फोर तो भूल ही गया मैं, पाई बाय फोर, पाई बाय सिक्स, देख रहे हो बेटा आंसू निकल रहे हैं पहले से ही, पाई बाय थ्री, पाई बाय टू, पहले ये तो सबको आते हैं राइट, ये सबको आते हैं एग्जैक्टली। अब अगले वाले लिखो सप्लीमेंट्री बना के, अगले वाले लिखो सप्लीमेंट्री बना के, जीरो का सप्लीमेंट्री क्या होगा सर जी, पाई, पाई बाय सिक्स का सप्लीमेंट्री बनाओ, पाई बाय सिक्स का सप्लीमेंट्री बनाओ फटाफट, पाई बाय सिक्स का सप्लीमेंट्री बनाओ, पाई बाय सिक्स का सप्लीमेंट्री बनाओ सर, फाइव पाई बाय सिक्स, पाई माइनस पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स। अरे डिग्री में नहीं बनाना, डिग्री में नहीं बनाना, रेडियन में बनाओ, एक बच्चा डिग्री में बना रहा है, मैंने पिटाई कर देनी है, तुम्हें रेडियन से अब कंफर्टेबल होना है तो उसके तरीके बता रहा हूं। पाई बाय फोर का सप्लीमेंट्री बनाओ, पाई बाय फोर का सप्लीमेंट्री बनाओ, पाई माइनस पाई बाय फोर, फोर पाई बाय थ्री, और सर थ्री पाई बाय फोर, क्या कर रहा हूं, थ्री पाई बाय फोर, सबने बना लिया, बना लिया, बना लिया। अच्छा अब पाई बाय थ्री का सप्लीमेंट्री बनाओ, पाई बाय थ्री का सप्ली, और ना बनाना मेको बस देखो, अगर मेको देखोगे तो आगे जब मैं यूज करूंगा देखते ही रह जाओगे, खुद बनाओ तभी तुमको दिखना शुरू होगा,
पाई माइनस पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, पाई बाय टू का तो पाई बाय टू ही आ जाएगा। और अब अपने आप को एहसास दिलाओ कि ये सारे एंगल तो बहुत अच्छे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ये तो बहुत अच्छे एंगल हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री पे मेरे को डायरेक्टली चीजें देखनी आती हैं, डायरेक्टली देखनी आती हैं, तो अब मैं डायरेक्टली देखूंगा ये पाई बाय थ्री का सप्लीमेंट्री है, ये पाई बाय फोर का सप्लीमेंट्री है, ये पाई बाय सिक्स का सप्लीमेंट्री है, ये पाई बाय थ्री का सप्लीमेंट्री है, माइनस बन गई बात। ओके मैट जी, ओके आई होप इट्स द करेक्ट न्यूज। चलो आ जाओ, तो साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय सिक्स, माइनस कॉस पाई बाय थ्री, राइट। अब ये हमको आते हैं, दिस इज रूट थ्री बाय टू, दिस इज वन बाय रूट टू, दिस इज वन बाय टू माइनस हाफ। तो ये एंगल हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करने चाहिए, ये एंगल हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करने चाहिए। वेट अ मिनट, जस्ट अमिनट बेटा। ओके ओए मैं पिटाई कर देनी है बेटा, एक गलत गल है पुत्र, तू हमेशा बीच बीच आना है ते गंदे गंदे डाउट पूछना है, मेरी पंजाबी निकल गई बेटा। ओए कॉस सप्लीमेंट्री पे नेगेटिव हो जाता है यार, क्या करते हो, बीच में गायब हो जाते हो, मुड़ के आके फिर डाउट पूछते हो, हैं? आ जाओ अब ये अगले एंगल, डू यू एग्री, ये दोनों अभी भी खूबसूरत है, ये अभी भी खूबसूरत है। ये क्या पाई बाय फोर का सप्लीमेंट्री है, तो कॉस पाई बाय फोर नेगेटिव, ये पाई बाय सिक्स का सप्लीमेंट्री है, कॉस पाई बाय सिक्स नेगेटिव, तो ये अभी भी हो गए, ये अभी भी हो गए। अब यहां पे दिक्कतें आनी शुरू हुई, यहां पे दिक्कतें आनी शुरू हुई, डू यू ऑल एग्री, अब यहां पे आके दिक्कत आनी शुरू हुई। ओके रक्षित, थैंक यू बेटा, यहां पे दिक्कत आनी शुरू हुई। अब सुनो, जब एंगल्स थोड़े से ज्यादा बदसूरत होंगे तो क्या किया जाता है, देखो करना तो वही जो पहले किया है, बात है कि कर कैसे पाएंगे ये सीखना है आपने। आओ साइन ऑफ नाइन पाई बाय फोर, मैं इसको ब्रेक करके छोटे एंगल में लेके आऊंगा, वही तरीका अपनाऊंगा जो पिछले सवाल में सीखा था कि 180 का मल्टीपल ढूंढो जो बहुत पास हो, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनको डायरेक्टली दिखेगा, जिनको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है सुनो क्या करना है, तुमने इसको ऐसे देखना है 9 बाय 4 इंटू पाई, ऐसे देखना है, यही है ना। अब ये क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, डू यू ऑल एग्री, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये उन सबके लिए है जिनकी कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो पक्की बात है ये जो अंदर का एंगल है ना बेटा, ये जो अंदर का एंगल है ये 2 पाई प्लस समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग पाई, 2 पॉइंट समथिंग पाई, तो ये 2 पाई प्लस समथिंग है, 2 पाई प्लस समथिंग है, और ये जो समथिंग है पक्की बात है इसके डिनोमिनेटर में 4 आएगा, तभी तो एलसीएम लेने पे नीचे 4 आएगा। अब अगर इतना बता दिया तो क्या ये तुम खुद नहीं ढूंढ सकते, ढूंढ सकते हैं सर, 8 पाई है 9 पाई चाहिए, तो यहां पाई होना चाहिए, नेल्ड इट। अब मुझे पता ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, साइन पाई बाय 4, आंसर 1 बाय रूट 2। एक और देखो कॉस ऑफ 11 पाई बाय 3, इसको कैसे देखना है आपने, 11 बाय 3 इंटू पाई, 11 बाय 3 इंटू पाई देखना है, 11 बाय 3 क्या है, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, एंड क्लियरली ये 4 के पास है, फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे 3 पाई प्लस समथिंग लिखो, पर 4 के ज्यादा पास है तो 4 पाई माइनस समथिंग लिखोगे ज्यादा फायदा होगा, तो ये बहुत ज्यादा पास है 4 के, 3 पॉइंट समथिंग है 4 के पास है, 4 पाई माइनस समथिंग होगा, 4 पाई माइनस समथिंग, तुम चाहो तो इसको 3 पाई प्लस समथिंग लेके भी कर सकते हो, दोनों से करेंगे, मैं पहले इससे करूं क्योंकि ये मुझे 4 के ज्यादा पास लग रहा है,
क्या माइनस किया जाए कि 11 पाई बाय 3 बने। देखो जो भी माइनस होना है नीचे तो 3 आना है, तभी तो एलसीएम लेके नीचे 3 आएगा। अब अगर नीचे 3 आना है बेटा, ये 12 पाई बन रहा है, तुमको 11 पाई चाहिए, तो यहां पे पाई होगा। नेल्ड इट, खत्म। फोर्थ, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पाई बाय 3, आंसर इज हाफ। सर अगर मैं ऐसे करता तो क्या करता बताओ, यहां पे क्या ऐड होता, बताओ क्या ऐड होता। सर जी नीचे तो 3 आना था, तो ये बन रहा है 9 पाई, चाहिए कितना 11। सर जी 2 पाई होता, डू यू ऑल एग्री, 2 पाई होता। अब सुनो मेन बात, 3 पाई यहां पे है प्लस थीटा, थीटा कितना ये नहीं सोचना, थीटा है बस। नेक्स्ट तो थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस कॉस 2 पाई बाय 3, माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए, पाई बाय 3 का सप्लीमेंट्री है, पाई बाय 3 का सप्लीमेंट्री है। पाई बाय 3 पे कॉस हाफ है, तो 2 पाई बाय 3 पे माइनस हाफ होगा, एग्जैक्टली। तो आंसर फिर से हाफ ही आएगा, अल्टरनेट। तो तुम जहां से मर्जी चल पड़ो आंसर सेम आने वाला है, पॉइंट इज कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। यहां पर कुछ तरीके आपको बताए हैं जहां से आप चलोगे तो आसान हो जाएंगे, बट यस कैलकुलेशन आपकी वैसे ही बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये चीजें आपको तंग ना करें। ठीक, अब थोड़े ये एंगल देखो, थोड़े से और, ये तो चलो घटिया है बेटा, ये तो मैं देखते ही दिख रहा है पाई प्लस पाई बाय 6 है, ये तो मैं करूंगा भी नहीं, मतलब पता नहीं मैंने क्यों रख लिया यहां पर। हट, इस पे आओ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। टेन ऑफ 41/6 है बेटा, 41/6, 41/6 जो है 7 के बहुत पास है, डू यू ऑल एग्री, 7 के बहुत पास है। तो क्या लिखेंगे, 7 पाई माइनस, नीचे 6 चाहिए तो यहां पे 6 आएगा, तो 42 पाई है, एक काम करो बन गया। ओए देखो तो ये क्या बन गया बेटा, ये आ गया तुम्हारा 7 पाई, यहां पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस 10 पाई बाय 6, माइनस 1/√3, बिल्कुल सही। और माइनस आएगा, माइनस क्या कर रहे हो तुम लोग, 7 पाई माइनस पाई बाय 6। अगले बच्चे ने अगले का पहले बता दिया, 31/6 5 से जस्ट बड़ा है, पक्की बात है 5 पाई प्लस समथिंग होगा। सो अब डू यू एग्री कि अगर इन सवालों को सेशन के बाद एक बार तुम रिपीट कर लो तो कुछ नहीं बचा। यस जवाब, वैसे सवाल जवाब नाम भी खतरनाक है। ओके सो एक बार तुम रिपीट कर लोगे तुम्हारी स्पीड अपने आप बन जाएगी और तुम इन सवालों को पटाख से कर दोगे। शाबाश सर जी, सेकंड पॉजिटिव है, है देख ले, 7 पाई 41 पाई बन गया, 7 पाई यहां पे आया, माइनस पाई बाय 6 किया तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। ओ बेटा नेगेटिव ही तो आएगा, क्या कर रहे हो बेटा, ठीक तो है 7 पाई इधर होता है बेटा, ठीक है बेटा, क्या बात कर रहे हो यार तुम, ऐसे करोगे यार तुम, ऐसा करोगे तुम मेरे साथ है, 7 पाई बिल्कुल ठीक है बेटा, यहीं पे होता है 7 पाई, माइनस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, एक बच्चा और कह रहा है सेकंड में पॉजिटिव ले लो, बेटा क्यों ले लूं, अब जब माइनस है तो माइनस ही लूंगा, पॉजिटिव क्यों ले लूं यार, मजाक बना रखा तुम लोगों ने, प्लस माइनस की इज्जत ही कोई नहीं यार है। ओके सो इसके साथ अलाइड एंगल्स हमारे मेजरली खत्म हो गए हैं, इनका यूज थ्रू आउट चैप्टर होता ही रहेगा। ये मैंने पाई बाय 2 से जो पाई अगला एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल, उनकी वैल्यूज लिख दी हैं साइन कॉस टैन की, और आपके लिए डिग्री और रेडियन दोनों में लिखे हैं ताकि आपको दोनों सेम लगना शुरू हो जाए, दोनों याद हो जाए। ये रेडियन वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अब आ जाओ कुछ सवालों पे, कुछ ऐसे सवाल देख लेते हैं। अब कितने बच्चों को सीधे दिख रहा है, सीधे दिखने की बात है पहले ही बोल दूं, कहता प्रूव दैट कि उसके बराबर है, मुझे बाकी नहीं पता पर मैं ये देखते ही काट दूंगा, कितनों को दिख रहा है ये, मैं देखते ही काट दूंगा, कितनों को दिख रहा है। शाबाश सर जी, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री पे कॉस आपस में नेगेटिव होते हैं तो ये कट जाएगा। अब ये बताओ ये कितनों को दिख रहा है, बात ओरली दिखने की है पहले बता दूं,
ये इससे कटेगा, ये कितनों को दिख रहा है? और जब तक मैं ये बता रहा हूं, बता दूं कि अभी इसी सेशन के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके हम फिर से मिलेंगे, कितने बजे? 6:30 बजे शायद, हाँ 6:30 बजे, जिसमें मैं आपको अपनी IIT की एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, व्हेन योर भाई गॉट फेल्ड, फ्लंक कर गया था मैं सब्जेक्ट्स में, तो उस स्टोरी में मिलते हैं, उसमें आपके लिए कुछ सीखने को भी है, बाकी मज़े तो तुम लोगे मेरे को पता है, पर चलो कभी कभी भाई मज़े दे देता है अपने। एग्जैक्टली, शाबाश सर, ये भी कटेगा क्योंकि ओ बस 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 बस, गुस्सा नहीं खाना अरविंद सर, गुस्सा नहीं खाते, ना 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 ना, ओके, ये कुछ और नहीं कॉस ऑफ 180+24 है, दैट इज -cos 24। मतलब मुझे ये तो पहले ही दिख जाना चाहिए कि ये 24 का भाई है, समझ लो, ये मुझे पहले दिख जाना चाहिए कि ये 24 का भाई है, क्योंकि ये 180+24 है, उसके बाद ये मैं दिमाग में कर लूँ या लिख के कर लूँ, बचा cos 300, और cos 300 तो फिर मुझे पता ही है, कुछ बचा ही कुछ नहीं, तो cos 300 जो है उसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं cos of 360 - 60 लिख लूँगा, 360 लिख लो, या चाहो तो 2 × 180 लिख लो, मर्जी तुम्हारी है, और ये आ जाएगा cos 60 के बराबर, तो हाफ आ गया, वही मुझे चाहिए था। एग्जैक्टली, बिलीज स्टैंडर्ड वैल्यू कवर कर सकते हैं, आप चाहो तो यूज कर लो, मैं जितना कैलकुलेशन कराता हूँ जहाँ स्टैंडर्ड याद कराने वहाँ स्टैंडर्ड याद कराता हूँ, जैसे ये देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगी, यहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगी, कहता ये सारी वैल्यू बताओ, सारी वैल्यू बताओ, तो पहले देखो ये किसका भाई है, भाई किसका भाई लग रहा है, 720, 720 का भाई है बेटा, 180 का भाई बन रहा है, देख रहे हो 4 × 180, 360 720, 720 से जस्ट बड़ा है, तो ये तो बेटा 4 × 180+60 है, रादर अगर मेरी डेफिनेशन, बहुत बढ़िया निवेदिता एंड संतोष, अगर मेरी डेफिनेशन क्लियर है तो मुझे सीधे दिखना चाहिए ये साइन 60 है, सर जी ये होता है 360, एक और राउंड लगा दिया सर जी 720, 60 और चल जाओ सर जी ये बना 780, अब 780 बोलो या 60 बोलो एक ही बात है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो आप इसको सीधे भी साइन 60 लिख सकते थे, तुम देख रहे हो जिसको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बिगिनिंग में क्लियर हो गया उसके लिए इसको समझना और आसान है, उसके लिए इसको समझना और आसान है, साइन 480 किसका बड़ा भाई है, 360 के बाद आता है 540, 540 का भाई लग रहा है, 540 का भाई बना लो, 3 × 180 - 60, चाहे तो 360 का भाई बना लो फर्क नहीं पड़ता, तुम 360+120° लिख दो या 540 - 60 लिख दो, बात एक ही है, वेरी गुड, तो साइन आ गया 60 पे, क्वाड्रेंट यहां पे होता है 3 × 180, पीछे गए तो प्लस आएगा, वेरी गुड, तो बेटा ये भी हा वाह, √3/2, तो ये √3/2, ये भी √3/2, अब इस पे आ जाओ, अब ये तो क्या है, ये तो घटिया है, ये तो सीधे बोलो cos 120 बोलो फटाफट, सर जी -cos 60 होता है, वेरी गुड, सर जी sin 150, सर जी सीधे sin 30 होता है, sin 30, तो आंसर आ गया 3/4 - 1/4, आंसर आ गया हाफ। एक बच्चा टेस्ट के लिए बोल रहा है, बेटा यस अगले संडे आ रहा है CBT मोड टेस्ट आपके लिए, नेक्स्ट संडे इज CBT मोड टेस्ट, सिलेबस 2-3 दिन में अपडेट करूंगा, मैथ में सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा आएगा और साथ में क्वाड्रेटिक आएगा, मैथ का सिलेबस ये है, जो नेक्स्ट आपका CBT मोड का टेस्ट है वो अगले संडे होगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, एंड मैथ में आएगा सीक्वेंस सीरीज पूरा एंड क्वाड्रेटिक पूरा, ठीक, ओके, बाकी फिजिक्स में रिलेटिव मोशन आएगा और शायद 1D आएगा, हाँ 1D रिलेटिव प्रोजेक्टाइल इनमें से कुछ आएगा, मैं भूल गया यार, आपको एक दो दिन में यहाँ बताना शुरू कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। साकेत पहला टेस्ट जो था वो चैप्टर वाइज ही था, अब दो दो चैप्टर भी तो देने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज 2, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब थोड़े थोड़े जो है ना फॉर्मूले आने शुरू होने वाले हैं, यानी कि आपका जो पहला पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब आप ग्राफ बना के फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे, ग्राफ बनाकर फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे, तो जहां तक तो ग्राफ की बात है सुनो, ग्राफ मोर और लेस आपको याद करने हैं, थोड़े से लॉजिक मैं आपको दूंगा, ठीक है,
थोड़े से लॉजिक मैं आपको दूंगा, बट मोरल सबको याद करना है। यार एक अपडेट आपको और दे दूं, अभी कल मैं थोड़ा होम टाउन जा रहा हूँ, थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, सो अगले तीन चार दिन कम से कम मैं सेशन नहीं लूँगा। इसीलिए मैंने अपना इस हफ्ते वाला सेशन भी मंडे को किया, क्योंकि ट्यूसडे आई विल बी ट्रैवलिंग, ओके। और इस हफ्ते का जो सेकंड सेशन होगा, जो होता है थर्सडे फ्राइडे को होता नॉर्मली, वो शायद बना ले पाऊँ, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पर जाके क्या सिस्टम बनता है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता है। एंड इस हफ्ते में जो आपका टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और जो बेस्ट PYQ है, वो मेरा भाई है आदित्य सर, आदित्य भारद्वाज सर, वो JEE 2021 बैच में सेशंस लेते हैं मेरे साथ, वो आपका डिस्कशन करेंगे। तो उनको तंग मत करना, अच्छे से समझना और उनके आगे अच्छा इंप्रेशन झाड़ना मेरा। जितने भी टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम और PYQ होंगे, उसमें अच्छे अच्छे जवाब देना, उनको लगे कि भाई ने तुमको पढ़ाया है बढ़िया वाला, ठीक है। तो इस हफ्ते में आपका टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम और PYQ सेशन आदित्य भारद्वाज सर लेंगे। पहला सेशन जो कल था वो मैंने आज लिया है, सेकंड सेशन शायद कैंसिल करना पड़े, नेक्स्ट वीक से फिर से नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, सुनो मेरी पहली बात, यहां पे हम बनाने लगे हैं पहले साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। सुनो, जब हम ग्राफ की बात करेंगे, मेजरली आपको शक्लें याद करनी होती हैं, उसकी शक्लें याद करनी होती हैं, एंड थोड़ा बहुत लॉजिक मैं दूंगा, बट शक्ल याद करनी है, और शक्ल याद भी बहुत जरूरी है। याद में क्या होना जरूरी है ये भी बताऊंगा। आओ, मैं सारे एंगल रेडियन में लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा कोई भी 9 डिग्री, ओके, मैं रेडियन में लिखूंगा 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, चलता रहेगा आगे, पीछे आ जाओ, -π/2, -π, -3π/2, मैं क्या -2π, -5π/2, मैंने कहा -3π, एंड सो ऑन, पीछे चलता रहे। ये मैंने एंगल्स लिख दिए, ठीक है। अब सुनो साइन का ग्राफ, मुझे पता है वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 1 तक जाती है और मिनिमम -1 तक जाती है, ओके। जो मेन मेन वैल्यू मेरे को पता है वो ड्रॉ कर दूं, देखो 0 पे 0 होता है मेरे को पता है, पाई पे 0 होता है साइन मेरे को पता है, 2π पे 0 होता है, 3 पाई के किसी मल्टीपल पे भी 0 होता है साइन, ये तो मुझे पता ही है। तो पहले इसको तो बना देता हूं। यस बेटा, मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में ये ग्राफ दिया हुआ है, आज थोड़ा दोबारा करा रहा हूं, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत एडिशन में और करूंगा आपके लिए चीजों का, तो देख लो। देन पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 होती है, ओके, और 3π/2 पे -1 होती है, ओके ओके। अब बेटा मैं ग्राफ बना रहा हूं, सुनो, 0 से 2π में ग्राफ बनाएंगे, शेप कुछ ऐसी दिखती है, ऐसे 0 से 2π में ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि साइन पीरियोडिक होता है, जो 0 से 2π में बन गया वही आगे रिपीट होगा, वही पीछे रिपीट होगा, तो इसके अलावा हमको और ग्राफ याद करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसके बाद तो रेपिटेशन है। ऐसे पीछे भी सेम, जो 0 से 2π है ना बेटा, वही -2π से 0 भी होगा, ऐसे जो 0 से 2π है वही -2π से 0 में भी होगा, ऐसे राइट, पीछे भी चलता जाएगा ऐसे, ओके। ये बना साइन का ग्राफ। इसमें मेजर पॉइंट क्या याद रखने, मेजर पॉइंट बस इतना याद रखना है कि पाई के मल्टीपल्स पे 0 है और पाई बाय 2 के जो ऑड मल्टीपल हैं वो वैल्यू भी याद रखो तो फायदा होगा। पाई बाय 2 पे 1 है, 3π/2 पे -1 है, 5π/2 पे फिर 1 है, 7π/2 पे -1 है। अगर इसको भी याद रख लोगे तो बहुत फायदा होगा, बिलीव मी। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, 4k+1 π/2 पे जो साइन है वो 1 होता है, 4k-1 π/2 पे जो साइन है वो -1 होता है। इनको अगर याद रखोगे फायदा होगा, मतलब आपकी वही है, जितना अच्छा दिमाग में रखोगे उतना ही सवालों में स्पीड बढ़ती जाएगी, जो चीज बाकियों के लिए मुश्किल होगी तुम्हारे लिए आसान होगी, सारी बात यही है। अब सुनो बेटा, मैं ना दूसरा ग्राफ जो कि साइन का रेसिप्रोकल है वो भी यही बना रहा हूं, आपने यहीं पे इसके साथ ही इसको याद कर लेना है, क्योंकि इसके साथ ही याद करना बहुत आसान है।
मैं अलग अलग नहीं बना रहा, एक ही में दोनों ग्राफ बना रहा हूं। सुनो, रेसिप्रोकल करना ना, रेसिप्रोकल तुम खुद बताओ, वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर जी वन ही होता है। अच्छा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर जी वह तो अनडिफाइंड होता है, बट हां जब जीरो के पास जाओगे ना तो इनफाइनाइट बन जाता है। इतना जानते हो? मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, वन का रेसिप्रोकल तो वन है, जीरो के पास रेसिप्रोकल ऊपर चला जाता है इंफिनिटी पे, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा, सो सिंपल। इधर भी सेम, ये अगर नीचे जा रहा है जीरो की ओर तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा इंफिनिटी की ओर, इंफिनिटी की ओर। अब मेरी बात मानते हो? एक बहुत प्यारी बात, यहां पे तुमको दिख रहा है ग्राफ को देखकर कि वो इंफिनिटी की ओर जा रहा है, बट यहां पे नहीं पता लग रहा कि इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ये दिखाने के लिए कि ये इंफिनिटी की ओर जा रहा है, एक डॉटेड लाइन बनाई जाती है, ऐसे एक डॉटेड लाइन बनाई जाती है। डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ ये बताने के लिए बनाई गई है कि जब पाई के पास जा रहे हो वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, बस इसलिए लगाई जाती है। और बेटा अब आगे तो तुम्हें दिख ही रहा है, सेम नेगेटिव में भी हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस वन ही रहेगा, ये रेसिप्रोकल नेगेटिव नेगेटिव आते रहेंगे पर नीचे की ओर, ऐसे और ऐसे। और एक बार तुमने जीरो से टू पाई में बना दिया बेटा, फिर तो रेपिटेशन है, फिर तो रेपिटेशन है। और माशाल्लाह कितनी बदसूरत मैंने लाइन बनाई है, टेढ़ी मेढ़ी, सीधी बन जा भाई, सीधी लाइन क्यों नहीं बनी? एक मिनट, ऐसे अब थोड़ी सी ठीक है, चलो इज्जत बन जाएगी इससे। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो। आगे सेम रिपीट होता जाएगा, इसकी टोपी फिर से ऊपर कर दो, बस यही कर दो, इसकी टोपी फिर से नीचे कर दो, तो टोपियां उल्टी हो जाती और कुछ नहीं, तो ग्राफ बहुत ईजी रहता है, याद हो गए दोनों ग्राफ। ऐसे इधर भी इसका रेसिप्रोकल नीचे की ओर बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ऊपर की ओर, तो ऐसे बनते जाएंगे, सेम सेम चीज चलती जाएगी। तो ये ग्राफ, मैं फिर से कह दूं, ये ग्राफ आपको प्रिसाइजली याद है इतना वो नहीं, पर शक्ल याद है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, शक्ल याद है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? शक्ल याद होनी चाहिए। सेम अब कॉस पे आ जाओ, कॉस और सीकेंट पे, मेरे ख्याल से अब तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई, फाइव पाई बाय टू, थ्री पाई एंड सो ऑन। पीछे भी बना देते हैं, माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस टू पाई, माइनस फाइव पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई। मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है वन तक जानी है, मिनिमम माइनस वन तक जानी है। तो जब मैं बनाऊंगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, पहले मेन मेन वैल्यू प्लॉट कर लो और फिर उसको एक्सटेंड कर दो। मुझे पता है कॉस ऑफ जीरो वन होता है, कॉस ऑफ पाई बाय टू जीरो होता है, और कॉस ऑफ पाई माइनस वन होता है, ये वैल्यू मेरे को पता है। थ्री पाई बाय टू पे जीरो होता है, कॉस ना पाई बाय टू के किसी भी ऑड मल्टीपल पे जीरो ही रहता है, याद रखना। ठीक, टू पाई हम निकालेंगे तो वन आता है, अब इनको जोड़ो, ऐसा ग्राफ, दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम जीरो टू टू पाई। आपको ये शक्ल याद रखनी है, क्योंकि अगर ये याद है इसके बाद तो रिपीट होना है, इसके बाद तो रिपीट होना है, जो जीरो से टू पाई है वही इसके आगे बनेगा, ऐसे वही पीछे बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो जो देखो जीरो से टू पाई है, सेम माइनस टू पाई से जीरो है, तो सेम सेम बनता जाएगा। राइट, अब मेन क्या है इसका? रेसिप्रोकल। ओ आजा, कहां चला गया? उधर चला जाता है यार। अब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फिर से वही टोपियों को उल्टा कर दो, ये टोपी ऐसी है रेसिप्रोकल ऐसा बन जाएगा, ये टोपी ऐसी है तो रेसिप्रोकल ऐसा बन जाएगा, आ गया समझ? सो सिंपल। तो वाई इक्वल टू सीकेंट एक्स और भी आसान है, एक बार कॉस एक्स आता है तो ये तो आता ही है, सिर्फ टोपियों को उल्टा कर देना है। एग्जैक्टली, सो मेन पॉइंट क्या है ये सुन लो, आपको जो वैल्यू याद होनी चाहिए पाई के मल्टीपल्स पे वैल्यू, पाई के मल्टीपल पे वैल्यू बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हालांकि इसका यूज इमीडिएट नहीं आएगा, बट जब आएगा तो तुमको बहुत मजा आएगा कि आपको ये पता था। कॉस की वैल्यू हमने पहले भी याद की थी, फिर लिख रहा हूं, पाई के इवन मल्टीपल पे वन होती है और ऑड मल्टीपल पे माइनस वन होती है, और पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल पे हमेशा जीरो होती है।
ये वैल्यूज आपके जुबान पे बस रटी होनी चाहिए, बुरे हाल से रटी होनी चाहिए। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो अगला सवाल, लास्ट आ गया, टेन एक्स और कॉट एक्स। टेन एक्स का ग्राफ थोड़ा सा अलग रहता है और वो हमने किया हुआ है, तो मैं फटाफट शेप बनाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा याद करने वाला है नहीं। तो इस तरह का ग्राफ रहता है, पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। अगेन जस्ट टू शो कि ये वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है, यहां डॉटेड लाइन लगाई जाती है, ऐसे डॉटेड लाइन का मतलब बस ये कि दिखाने के लिए इन्फिनिटी जा रही है। और कॉस टैन का पीरियड कितना था, पाई, टैन का पीरियड कितना, पाई। तो जो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में बना है, सेम पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू में बनेगा, सेम। गॉट इट? फटाफट चैट बता दो, याद आ गया? हमने ये ग्राफ फंक्शन में किए थे, सारे याद आ गए? ऐसे अब आती है कॉट की बारी, कॉट की बारी। कॉट क्या बेटा? रेसिप्रोकल। कॉट इसी में बना रहा हूं, ध्यान से देखो, कॉट, कॉट है इसका रेसिप्रोकल। तो सुनो, जब ये इंफिनिटी पे जा रहा है वो जीरो पे आ जाएगा, और जब ये जीरो पे जा रहा है वो इंफिनिटी पे चला जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये जो था इसका रेसिप्रोकल ऐसा आ जाएगा, यह समझ? जब टैन इंफिनिटी पे गया तो कॉट जीरो पे आ गया, जब टैन जीरो पे आया तो कॉट इंफिनिटी पे चला गया, खत्म। सेम इसके रेसिप्रोकल ऐसे, जब जीरो पे है तो ये नीचे चला गया, ठीक। और एक बार जीरो से पाई में बन गया, आगे तो रिपीट होना है। वो कॉट का पीरियड भी पाई होता है, कॉट का पीरियड भी पाई होता है, तो इसके बाद रिपीट कर दो ऐसे, ये आगे बनता ही जाएगा, क्रिस क्रॉस हो गए, शाबाश। तो आपने ये सारे ग्राफ बेसिक शक्लें याद रखनी है और कोई पंगा नहीं, सिर्फ बेसिक शक्लें आपको याद होनी चाहिए, शक्लों का काम धीरे धीरे जगह जगह पर आएगा, ठीक। रोनित कैसे की बात क्या बेटा, बस है तो है, साइन टू पाई पे पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि साइन ऑफ टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा आता है। टेन पीरियोडिक पाई पे क्यों है, क्योंकि टेन ऑफ पाई प्लस थीटा टेन थीटा आता है। अब आते हैं इस चैप्टर के पहले लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, तो कह लो कि सबसे पहले है तो जगह जगह पे यूज होता जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल करीबन चार लिस्ट्स आएंगी फॉर्मूलों की, टोटल करीबन फोर लिस्ट्स ऑफ फॉर्मूले विल कम, डोंट वरी बेटा। एंड ये पहली लिस्ट है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आई है तो आगे जगह जगह पे लगती रहेगी। ये फॉर्मूले हैं, इनको याद आपने करना ही करना है। रियल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट्स नाउ, एग्जैक्टली। अब आपको डबल डबल फोकस से देखना, क्योंकि अब जो चीजें होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली। अब सुनो बेटा, कितने सारे नहीं तो भी आधे हैं, कंपाउंड एंगल अभी ये भी हैं, टोटल आठ हैं। फर्स्ट लिस्ट में आठ फॉर्मूले हैं, ऐसी टोटल करीबन चार लिस्ट आएंगी। अगले में आठ आठ नहीं होंगे, अगले में तीन चार दो तीन होंगे। सबसे बड़ी लिस्ट यही है, तो आओ सबसे पहली लिस्ट देखें। ये आ गया पहला लिस्ट। कंपाउंड का मतलब होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ए प्लस बी, ए माइनस बी, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स, ओके। तो ये क्या कहता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस। अब मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, सीधी दिमाग पहली चीज दिमाग में आती है, सर जी मान लो ये साइन एक्स है, तो अगर मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी पूछा है तो मैं सीधे साइन ए प्लस साइन बी क्यों नहीं लिख देता, सीधे साइन ए प्लस साइन बी क्यों नहीं लिख देता, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं। एक बात बताओ, अगर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और मैं तुमसे पूछूं ए प्लस बी पे वैल्यू, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दोगे, बोलो, क्या सीधे ये लिखोगे, टेल मी, क्या सीधे ये लिखोगे, AWM, डोंट वरी बेटा, इट्स ओके, सीधे ये लिखोगे क्या, नहीं। फिर यहां पे ये क्यों लिखोगे, ये भी तो एक फंक्शन है जो ए प्लस बी पे लगाया जा रहा है, ये भी तो एक फंक्शन है जो ए प्लस बी पे फाइंड किया जा रहा है, समझ गए? तो ये गलती कभी नहीं करनी, गलत,
ये ब्रैकेट नहीं ओपन हो रही, ये हम स्क्वायर निकाल रहे थे ए प्लस बी का, यहां पे हम साइन निकाल रहे हैं ए प्लस बी का। यहां वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहां वैल्यू आएगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एग्जैक्टली, ये आपको फिजिक्स में विनय सर ने कुछ याद भी करवाए होंगे, बच्चा भी कह रहा है यस बेटा, ये आपको याद करने करने, ठीक है। अभी तो आज मैं जहां यूज करूंगा मैं इसको लिखता, वहां पे लिखे हुए मैंने, क्योंकि बिगिनिंग में याद नहीं होते, बट आपको ये इतनी बार लगाने हैं कि याद हो जाए। माइंड माय वर्ड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको याद करूं, मैं कह रहा हूं इसको इतनी बार लगाओ कि याद हो जाए, ठीक। ये टैन के आ गए और कॉट के आ गए, कॉट वाले समहाउ आप मिस कर सकते हो, इनका कोई यूज नहीं होता, पर टैन वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस और टैन, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, आओ इनका यूज देखते हैं। बेटा प्रूफ होते हैं इनके, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ज्योमेट्रिकली प्रूफ होते हैं, बट आपने नहीं देखने, वो ओलंपियाड्स के लिए काम के हैं, जेई के लिए काम के नहीं है, ठीक है। इनका प्रूफ डेफिनेशन से होता है, वही सर्कल बना के, बट वो ज्योमेट्रिकल है बहुत, और वो ओलंपियाड्स के लिए है, जेई के लिए उसकी जरूरत नहीं है आपको। आओ अब मेरे को किसी ने बोला साइन 15 बताओ, मैं ये मैंने आपके लिए लिख दिया यहां पे, ठीक है, साइन 15 बताओ। मुझे साइन 15 तो नहीं पता, बट ऐसे दो एंगल पता है जिनका डिफरेंस 15 होता है। ये सबसे पहला बेसिक यूज दिखा रहा हूं कंपाउंड एंगल का। मुझे 15 डिग्री पे नहीं पता साइन, बट 45 और 30 जो अच्छे एंगल हैं उस पे ऐसे लिख दिया। तो बेसिकली मैंने अपने एक गंदे एंगल को दो अच्छे एंगल के टर्म्स में लिखा, और इनको मैं वहां से निकाल सकता हूं। देखो देखो, वहां से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये ए ये बी, मुझे पता है ये 1/√2 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, और ये 1/2 है। तो ऐसी कुछ वैल्यू आ गई, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई। तो नाउ यू नो व्हाट इज साइन 15। अभी मैंने ये नहीं कहा कि इसको याद कर लो, बट मुझे पता है। पर सर जरूरी थोड़ी है कि हम हर एंगल को अच्छे एंगल्स के टर्म में लिख पाएंगे, हाँ जरूरी नहीं है, तो तब नहीं निकाल पाएंगे, पर जब लिख सकते हैं तब तो निकाल सकते हैं ना, तब तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई कॉस 15 पूछे, तो मुझे पता है कि मैं 15 को दो अच्छे एंगल की टर्म्स में लिख सकता हूं 45 माइनस 30 करके, और अगर लिख दिया तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला मुझे बताता है कि इसको ओपन कैसे करते हैं, मैं वहां से ओपन करके आंसर निकाल लूंगा, राइट। सेम साइन 75 अच्छा नहीं है, बट 75 को मैं दो अच्छे एंगल्स की टर्म में लिख सकता हूं, डू यू एग्री, दो अच्छे एंगल की टर्म्स में लिख सकता हूं, और अगर अच्छे टर्म लिख दिया तो फॉर्मूला मुझे बताता है कि मैं कैसे ओपन कर सकता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो एक बार मुझे चैट में बताओ, फर्स्ट बेसिक यूज समझ आ गया कंपाउंड एंगल फॉर्मूले का, कि अगर मैं एक गंदे एंगल को दो अच्छे एंगल की टर्म्स में लिख दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो वैल्यू निकल आएगी। रोनित, इनिशियली डू नॉट गो विद एनी तरीका ऑफ रिमेंबरिंग, आई विल स्ट्रॉन्गली सजेस्ट इन फॉर्मूले को इतनी बार लगाओ कि याद हो जाए, दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर देम। अगर पढ़ते रहोगे तो नहीं याद हो रहे इसको। यस बेटा हीट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। टेन 15 फिर से टेन और 45 माइनस 30 लगाता, टेन और 45 माइनस 30 लगाता, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी लगा के आंसर आता। यहां पे एक चीज में आपका थोड़ा सा ध्यान लेके जाना चाहूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, यहां पे इन पर्टिकुलर बोल रहा हूं, इन पर्टिकुलर ये जो आपने फॉर्मूला देखा टेन ऑफ ए माइनस बी हमने यूज किया, ठीक है, जब आप यूज कर रहे थे कि आपने एक अच्छी चीज ऑब्जर्व की, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन 45 1 होता है ना, तो मैं यहां 1 लिख देता हूं, यहां 1 लिख देता हूं, तो ये क्या बना 1 माइनस टेन 30 अपॉन 1 प्लस टेन 30, थोड़ा सुंदर बना। एक काम करो मेरे लिए जरा, बस बस मेरे प्यार की खातिर इसको ओपन करो जरा फॉर्मूले से, फटाफट ओपन करना पड़ेगा वरना मजा नहीं आने वाला जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूं। इसको ओपन करो और इसको ओपन करो, इन दोनों को ओपन करो,
फॉर्मूले से दोनों को ओपन करो बेटा, अगर यहां प्लस हो तो यहां प्लस आता है और यहां माइनस आता है, फटाफट ओपन करो, यहां पे तुमको एक अच्छा खासा मजा आने वाला है। ये एप्लीकेशन हमने सीख ली है, गंदे एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर वो गंदा एंगल दो अच्छे एंगल की टर्म्स में लिखा जाए तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओम प्रकाश, सेशन के एंड पे बात करते हैं बेटा प्लीज, ओके अभी थोड़ा इस पे फोकस करते हैं, बट अदरवाइज बता दूं 6 मंथ का कंसेप्ट नहीं होता बेटा, ठीक है 1 मंथ या फुल यही होता है। हाँ निकाल ली बेटा वैल्यू अपने, आई शाबाश सर। टेन ऑफ ए, टेन 45 तो 1 होता है, अच्छा माइनस टेन ऑफ बी तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ ए, टेन ऑफ 45 तो 1 है, इंटू टेन ऑफ बी इंटू टेन ऑफ थीटा, यही बना सबका, वेरी गुड। ये वैल्यू मानो ना मानो बहुत सुंदर है, सिमिट्रिक सी है, बहुत ही सिमिट्रिक सी है। सिमिलरली ये वैल्यू आ जाती है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, बहुत सुंदर सी वैल्यू है राइट। इन पर्टिकुलर ये जो टैन के फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, इनमें ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑफकोर्स ये पर्टिकुलर केसेस है, आपने लगाया टैन ऑफ ए प्लस बी ही है, पर ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आएगा लगा देंगे फॉर्मूला? नो, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सवालों में काफी बार ये लिखा हुआ होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर है, मेरा पॉइंट समझे। सवालों में बहुत बार ये लिखा होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बराबर है, तो हर बारी सवाल में ना यहां से यहां नहीं जाएंगे, काफी बार इधर से इधर भी आना पड़ेगा और वही अच्छा सवाल होता है, क्योंकि बच्चे लेफ्ट से राइट चले जाते हैं, सिंपल ओपन करते हैं टेन ऑफ ए प्लस बी लगाते हैं आ जाता है, बट उल्टा नहीं आ पाते। तो तुम्हारा भाई तुमको बता रहा है बहुत जगह पे उल्टा आना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक। सेम ये ऐसे वापस आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो सवाल देखते हैं, आओ आज बेटा। जैसे ये सवाल आया, अब ध्यान सुना, ये सवाल आया और मैं ज्यूम कर रहा हूं कि हमें ये याद है cos 20 माइनस साइन 20, cos 20 साइन 20, प्रूफ करना है कि tan 25 के बराबर है। तो मुझे एक चीज तो पहले खनक गई, tan क्रिएट करना है, ऊपर नीचे ना cos से डिवाइड करो, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करो, tan आ जाएगा एटलीस्ट। ऊपर cos डिवाइड किया तो 1 माइनस tan 20, नीचे cos डिवाइड किया तो 1 प्लस tan 20। कितनों को दिख रहा है कि सवाल खत्म हो गया है, कितनों को दिख रहा है सवाल खत्म है, ये मेंटोस जिंदगी है, एग्जैक्टली ये है मेंटोस जिंदगी, एग्जैक्टली क्योंकि ये मुझे पहले से ही याद है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज टेन ऑफ 45 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा टेन ऑफ 45 माइनस थीटा, तो ये आ गया टेन 25। तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएंगे अगर हमका ऑब्जर्वेशन हमको पहले पता है कि फॉर्मूले को कहां से कहां देखा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम बच्चे इसीलिए फंसते हैं क्योंकि वो फॉर्मूले रट्टे मार के याद तो कर लेते हैं पर उनको यही नहीं पता होता कि वो लगते कैसे हैं, इधर से लगेंगे कैसे लगेंगे ये नहीं पता होता। हमने ट्रिग्नो में यही सीखना है, लेकिन ये सीख लिया फिर ट्रिग्नो कुछ नहीं है। दोनों सवाल ओरली कर सकते हो अगर मुझे पहले से याद है कि ये कुछ और नहीं 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है, और मुझे पहले से याद है कि ये कुछ और नहीं 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा है। डू यू एग्री, ओरल सवाल है, ओरली कर सकते हैं, नजारे आ गए, मैं कहा शाबाश, क्योंकि अगर मुझे पता है कि इसके बराबर है तो मुझे 45 नहीं डराएगा, मुझे टेन क्रिएट करना है, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड मारो सवाल खत्म, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करो सवाल खत्म, एक एक लाइन में खत्म हो जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया बन गया, और ये मुझे याद होना चाहिए कि ये टेन ऑफ 45 प्लस थीटा है, एग्जैक्टली ये। अब सुनो इस सवाल पे आओ, ये सवाल आया प्रूव दैट कि इसके बराबर है, ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी बैठे हैं, मैंने साइड पे लिख दिया है, कहता प्रूव करो।
कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी है, तुम बताओ। अब मैं एक ही चीज करता हूं, लेफ्ट से शुरू करना चाहते हो राइट से, जो जो तुम्हारा मन करे। जैसे कि मान लो तुम लेफ्ट से शुरू करना चाहते हो, डू यू एग्री अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और मुझे पता है कि मुझे साइन कॉस में जाना है तो मैं टैन को ब्रेक करूंगा, डू यू एग्री? मैं टैन को ब्रेक करूंगा, मुझे जाना ही साइन कॉस में है तो टैन मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मैं टैन को ब्रेक करूंगा। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, एलसीएम लेके देखो तुम्हें वो बनता हुआ दिखेगा, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन वाई कॉस वाई। ऊपर एलसीएम लो, कॉस एक्स कॉस वाई एलसीएम आएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। नीचे एलसीएम लो, साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स। जो एलसीएम थे वो कट गए आपस में, अब खत्म हो गया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, और नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ये। पर सर आपने अभी बोला कि चाहे लेफ्ट से शुरू करो चाहे राइट से शुरू करो, अगर मैं राइट से शुरू करता फिर मैं क्या करता? अगर मैं राइट से शुरू करता मैं फिर क्या करता? या क्या बात कर रहे हो? पहली बात, यहां पे मेरे एंगल x प्लस वाई x माइनस वाई, यहां पे एंगल क्या है? अकेला x अकेला y। डू यू एग्री? इनको ओपन करना चाहिए, डू यू एग्री? ओपन करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो लॉजिकली यही है, एंगल देखो ना भैया, यहां पे x अकेला बैठा, y अकेला बैठा है, तो यहां पे इकट्ठे क्यों रखूंगा मैं, ब्रेक कर दूंगा। कर दो ब्रेक, साइन ऑफ x प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। पहले तो मैंने एंगल्स अलग अलग कर दिए क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट मुझे बता रही है, बच्चे ना रिक्वायरमेंट पे फोकस नहीं करते इस करके फंस जाते हैं। रिक्वायरमेंट देखो ना, एक्स और वाई अलग अलग बैठे हैं, अब बोलो अब अगर मुझको टैन क्रिएट करना है, टैन तो टैन कैसे क्रिएट करूंगा? मुझे टैन क्रिएट करना है, अब कैसे टैन क्रिएट करूंगा? वेरी गुड, मुझे कॉस से डिवाइड करना चाहिए, मुझे कॉस से डिवाइड करना चाहिए। डू यू एग्री? न्यूमरेटर में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, एक कॉस कटेगा और एक टैन बनेगा साइन के साथ, एक कॉस कटेगा और एक टैन बनेगा साइन के साथ, एग्जैक्टली। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स कॉस वाई, एक कॉस कटता रहेगा एक टैन बनाता रहेगा, बनाते ही लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, बनाते ही लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, समझ गए? एग्जैक्टली बेटा। सो इस तरह से आप सोच सकते हो चीजों पे। अब अगर सवाल, हम सेशन के एंड की ओर आ गए हैं, थोड़ा एंड का सवाल आ रहा है। अब यहां पे तुम्हें एक और चीज सिखा रहा हूं, जरूरत के मुताबिक कैसे सोचना है। ट्रिग्नोमेट्री सारी यही है, पी जाओ, जरूरत के मुताबिक कैसे सोचना है। मुझे गिवन था कि टेन थीटा टेन फाई वन बाय थ्री के बराबर है और मुझे प्रूव करना था, ये मुझे प्रूव करना था। सबसे पहले तो ये सुनो, अभी फॉर्मूले याद नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो यहां से पहले ये देखो कि चाहिए क्या है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बार ना जो रिक्वायर्ड होता है उसको एज सच देखने की कोशिश करते हैं, वहां तोते उड़ जाते हैं। एक बार इसको ओपन करके लिख लो, काफी हेल्प मिल जाएगी विजुअलाइज करने में कि चाहिए क्या है। इसको ओपन करके लिख लो यार, ठीक है? मैं काम करता हूं, कॉस के टर्म्स एक साइड पे ले आता हूं, थोड़ा जगह कम लगेगी, ठीक है? कुछ नहीं किया, टू को उधर ले गया, इसको उधर ले आया। अब ओपन करके देखो, चाहिए, ये वो चीज है जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए। ओपन करो, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। आपके लिए फॉर्मूले मैंने यहां रखे हुए हैं, देखते रहो, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब तुम देखो बेटा, दिस इज समथिंग यू वॉन्ट टू प्रूव, दिस इज समथिंग यू वॉन्ट टू प्रूव। ओके, जो लिखा था उसको थोड़ा अच्छे खोल के लिख लिया कि क्या चाहिए भैया, बनाना क्या है, ये चाहिए। अब जरा यहां पे आओ, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? साइन कॉस में तोड़ोगे, क्योंकि मुझे टैन नहीं चाहिए, थीटा और फाई तो ठीक बैठ रहे हैं, थीटा और फाई तो बैठ रहे हैं, पर साइन कॉस चाहिए, साइन कॉस चाहिए, तो साइन कॉस में लेके आओ। लो भैया, साइन थीटा बाय, तो साइन थीटा साइन फाई
cos theta cos phi 1/3। अब दिमाग लगा के सोचो, यहां पे मैं ऐसा क्या करूं कि ये बन जाए। अब बताओ, जिसने थोड़ा क्वाड्रेटिक में सीक्वेंस में ध्यान से सुना था वो बताएगा, जिसने सीक्वेंस सीरीज ध्यान से सुनी थी बताएगा। ये मुझे चाहिए, यहां मैं बैठा हूं, ऐसा क्या लगाऊं कि वो बन जाए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दिल खुश हो गया। सर इन्हीं दोनों टर्म्स का सम और डिफरेंस चाहिए मेरे को, कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये बन गया 1 + 3, 1 - 3। और अब तो खत्म हो गया ना सवाल बेटा, ये कुछ और नहीं कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई है, या जो हो, मैं क्यों लिख रहा हूं, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया आपके लिए ओपन करके, वहां पे आपको तो पहले ही दिख रहा है। तो बस एक माइनस हटाना बेटा, माइनस काट तो बस काम खत्म है। ये बन गया 4 - -2 - 2/1। एक माइनस काटो, माइनस काटते ही वो बन गया, मजा आ गया। यहां से माइनस लेके कॉमन, इसको काटो, वही चाहिए बेटा, बन गया। ओहो नीचे माइनस लगाना था। अब सुनो मेरी बात, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले सवाल हमने नेक्स्ट क्लास में फिर से करने हैं बहुत सारे, सो दैट हमें ये चीज देखनी आ जाए। कंपोनेंट डिविडेंडो काफी अच्छे से यूज होता है। मेजर पॉइंट इस सवाल पे जो मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देके जा रहा हूं वो ये है, जो रिक्वायर्ड होता है ना, अगर वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेट के बैठा हुआ है, एक उसको ओपन करके लिख के रख लो कि फाइनली मुझे ये चाहिए, और अब देखो कि यहां से ये कैसे बनाया जा सकता है, समझ गए? क्योंकि ये देखना आसान लगेगा, ये देखना मुश्किल लगेगा। ये आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि थीटा और फाई यहां भी अकेले अकेले बैठे, यहां भी अकेले अकेले बैठे, तो देखना आसान लगता है, ठीक? यस बेटा यस। तो विद दैट आज का सेशन होता है खत्म। डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल फटाफट कर लो, क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप डिलीट हो गया है हमारा, मतलब हमने कर दिया है, अब सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे चलेगा, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो नोट्स है, चाहे वो डेली अपडेट है, चाहे वो सीबीटी मोड का टेस्ट है जो कि आपका अगले संडे आने वाला है, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट बोले तो ये वाला संडे नहीं, अगला, ठीक है? उसमें मैथ में क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज होगा टेस्ट में, तो उसकी तैयारी शुरू कर दो। एंड जैसे आप यहां पे पढ़ते जा रहे हो बेटा, तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आगे कंटिन्यू कर पाओगे। शेयर करोगे तो ठीक है, दोस्तों का फायदा होगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। और लाइक कर दोगे, मेरे को बड़ी खुशी होती है बेटा, तुम लाइक करते हो तो मेरे को मजा आ जाता है, ये तुम कहते हो ना नजारे आ गए, ऐसे मेरे को नजारे आते हैं। गॉड ब्लेस बेटा। और अब तुम में से बच्चे जो प्रो के पूछ रहे थे, अब मैं वो क्वेरीज ले लेता हूं। आप में से जो बच्चा VIP का पैच में पार्ट बनना चाहता है अभी बन सकते हैं, विदाउट इंप्रूवमेंट प्रॉमिस अभी ओपन है, अभी कुछ टाइम तक रहेगा। फुल बैच में फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है, देन यू विल बी पार्ट ऑफ VIP, जहां पे आपको गारंटी मिलती है इंप्रूवमेंट की। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आपका एक जो आपको बताया गया कि ये रैंक आपका आएगा वो नहीं आया, सर्टनली तो आपका मनी विल बी रिफंडेड। आप ये जो भी डिटेल है सारी की सारी आपको वेदांतों के होम पेज पे आराम से मिलेगी। मतलब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, एक ही कंडीशन है, रेगुलरिटी। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। अगर आप रेगुलर हो, आप अटेंडेंस मेंटेन करते हो 75% से ऊपर, तो आपको VIP का पार्ट रखा जाएगा। अटेंडेंस मेंटेन नहीं करोगे, क्लास से नहीं लगाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक? सो अगर आप रेगुलर पढ़ते हो, आप अटेंडेंस मेंटेन करते हो, तो यू विल बी पार्ट ऑफ VIP, जहां पे आपको गारंटी मिलेगी। और इस गारंटी के बारे में सबको पता है, आप तो आमिर खान भी बता रहे हैं, राइट? सो आपको गारंटी मिलेगी उसकी। और वेदांतु के रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पता है कि इट्स बेस्ट इन द कंट्री। लास्ट ईयर 548 सिलेक्शन इन JEE एडवांस, इस बार 2 JEE मेन हो चुके हैं, जिसमें 307 से ऊपर 99% के बच्चे हैं। 307 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल 99 से ज्यादा है, और 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% है, राइट? दो तीन बच्चों का मुश्किल से मिलता था, 18 बच्चे बैठे हैं, राइट? सो एवरी 1 out of 2 स्टूडेंट ऑफ वेदांतु क्वालिफाइज फॉर JEE एडवांस। और ये क्यों है? क्योंकि वेदांतु एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी है,
सात साल से ऑनलाइन कोचिंग में काम कर रही है और पिछले चार साल से बहुत अच्छे रिजल्ट लगा रही है। वेदांतु को भी दो तीन साल लगे थे पहले, जब नया नया ऑनलाइन डेवलप हुआ, वेदांतु को भी दो तीन साल लगे कि ऑनलाइन में कैसे बच्चे को बेस्ट सर्व करके उसका पोटेंशियल बाहर निकाला जा सकता है। पर वंस इट्स क्रैक्ड, अब वेदांतु हर साल टॉप रिजल्ट दे रही है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कोचिंग लेनी है तो आपको वेदांतु पे लेनी है, वरना यूट्यूब पे चुप करते पढ़ते रहो, ठीक है। अगर कोचिंग लेनी है तो वेदांतु पे लेनी है। KVPY का कोर्स, अच्छा वो पता करता हूँ, जो तो सब्सक्रिप्शन के बच्चे उनके लिए वो फ्री होता है बेटा, ठीक है। ऐसी क्लासेस होती है, मैं आपका क्लास का एक व्यू दिखा देता हूँ। नॉर्मली क्लासेस जो है ऐसी चलती हैं। यस बेटा स्मिथ बताता हूँ बेटा, ऐसे पोल्स होते हैं, बच्चे पोल देते हैं कि कितनों को समझ आ गया, कितनों को डाउट रह गया। जिसका डाउट रह गया या तो वो क्लास टीचर से क्लियर कर लेता है, मैंने बताया था ना डुअल टीचर मॉडल है, या उसको लगे कि वो लिख नहीं पा रहा, डाउट बड़ा है, तो वो डायरेक्टली टीचर से बात कर लेता है। जब पूरे डाउट क्लियर हो गए, फिर क्विजिंग होती है। हर एक क्लास में 6-7 क्विज होते हैं ताकि बच्चे चेक होते रहे, पुश होते रहे, रिपोर्ट आती कितनों ने ठीक किया, कितनों ने अभी भी गलत कर दिया। और बाय द एंड ऑफ सेशन लीडर बोर्ड बन जाता है कि आज ही रेट में किस किस बच्चे ने कितना कितना अटेन किया स्कोर, कितने स्टार्स अटेन किए, राइट। दिस इज हाउ क्लासेस गो ऑन। तो वो पोल भी होता है तो बच्चे बता पाते हैं, क्विजिंग भी होती तो बच्चे को हम चेक कर पाते हैं, हर एक रिपोर्ट आपके हम जनरेट करते हैं, और इंटरेक्टिव तो है ही, अनम्यूट अनकैम सब कुछ, आप आराम से टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाई चलती है, जिसे करके रिजल्ट्स आते हैं। ये सारे चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि ये मैं आपको साइट पर ही दिखा देता हूँ, साइट पर कैसे आप इसको जो कोचिंग लेने वाले बच्चे, जो अभी कोचिंग लेने वाले हैं वो कैसे इसको अटेन करेंगे। बेटा आपने इसी सेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है। यहाँ पे आपके आज के सेशन का DPP मिल जाएगा आपको, और उसी के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे दिखाएगा 21-23 बैच, जो कि आपका बैच है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आके आपको सब्सक्रिप्शन के मॉडल पता लगेंगे। अगर बैच को देखना है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे 5 अप्रैल को लास्ट, 5 अप्रैल गलत लिखा हुआ, ये नर्चर अग्री, अच्छा ये रहा, 21 जून को लास्ट बैच शुरू हुआ था, तो उसकी फॉर्मल पहली क्लास आज हुई होगी। मैंने बताया था फर्स्ट वीक में बहुत धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ाया जाता है, और वो चीज़ें होती जो फॉर्मली 11th की नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे पहले 6-7 दिन ज्वाइन करते रहते हैं। 28 जून यानी कि 1 वीक के बाद फॉर्मल सिलेबस शुरू होता है, तो आज ही इस बैच में फॉर्मल सिलेबस शुरू होना है, ओके। सो अगर आप वेदांतु को ज्वाइन करने का प्लान करें तो आपको आज ही कर लेना चाहिए, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। अगला जो बैच आएगा वो आफ्टर अनदर 2 वीक्स आएगा, हर एक 2 वीक्स के बाद एक नया बैच लॉन्च किया जाता है, बिकॉज उतने हिसाब से बच्चे आ जाते हैं कि ये नया बैच बनाना पड़ जाता है। सो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आज आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड ये इसका शेड्यूल है, आपको दिख जाएगा यहीं पर, हफ्ते में आपकी इतनी क्लासेस होंगी, राइट। ये आपको क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा। बिगिनिंग में अभी आपका जो फॉर्मल शुरू हुआ है, ये टोटल 10 क्लासेस दिख रही है, ये यहाँ पे ये हट जाएगा, ये अच्छा सुनो मैं बताऊँगा, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल आपको 10 क्लासेस दिख रही है, राइट, 10 क्लासेस, इनमें से 8 जो हैं वो आपकी JEE की क्लासेज हैं, JEE की क्लासेज, आपके बैच की क्लासेज, आपके हर हफ्ते 8 सेशन होंगे, ये टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। पहली क्लास 3-5, दूसरी 5:30-7:30। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज नाम के 2 सेशन दिखेंगे, ये ऑप्शनल सेशंस होते हैं हमारे वेदांतु में, सीइंग दैट कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा एक विंग है वी नर्चर, जो कि टाइम टाइम पे ऐसे सेशंस बच्चों के साथ रखता है ऑप्शनल, कभी डिज़ाइन थिंकिंग की और कभी जनरल नॉलेज की और, जो जनरल चीज़ें बच्चों को पर्सनैलिटी में हेल्प करती हैं, ये सेशन आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये ऑप्शनल रहते हैं, ठीक है। JEE के आपके 8 सेशन होंगे वीकली। तो ये आपका बैच का डिटेल है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा शेड्यूल भी दिख जाएगा। ये नर्चर का शेड्यूल है, जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं। ये फुल सिलेबस फिजिक्स का शेड्यूल है, पूरा आपको एंड तक दिखेगा, एंड तक दिखेगा। आपको कहीं भी किसी भी वीक का देखना है क्लिक कर दो, उस वीक का दिख जाएगा, ठीक। आ जाओ ऊपर, यहाँ पर आ गया सब्सक्रिप्शन। अब आप देखेंगे आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आपको लगता है कि क्लास में आपने लगा ली, रेगुलर टेस्ट सीरीज आपकी हो रही है, क्लास में डाउट आपके हो रहे हैं, और पोस्ट क्लास कंटेंट आपको हार्ड कॉपी में मिल रहा है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं,
ये आपका जरूरत है, जो कि नॉर्मली कोचिंग में होता है सब कुछ, यही चीजें होती हैं। तो आप 54,000 आपका प्राइस है पूरे दो साल का, टिल योर जेई एडवांस हैपेंस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा। एंड अगर आपको वन मंथ ट्राई करना है तो 2700। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको पोस्ट क्लास भी डाउट ऐप सपोर्ट चाहिए, अब ये चीजें एक्स्ट्रा आनी शुरू हो गई, पोस्ट क्लास भी डाउट ऐप सपोर्ट चाहिए, राइट, डाउट्स आए अब वो क्लियर करने हैं, तो आप क्लासिक लेंगे, ठीक है। एंड उसका ये टोटल दो साल का प्राइस है और मंथली प्राइस 3600 अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। ओके, एंड अगर आपको चाहिए प्लस, जो कि मैं रेकमेंड करता हूं, अगर अफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इशू तो आपको ये लेना चाहिए। इसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, पर्सनल मेंटर जो कि दिन रात आप पे डेडिकेटेडली काम करते हैं, ठीक। सो ये, और इसका ये दो साल का प्राइस है मंथली, ये रहा। स्मिथ प्रेजेंटली तो नहीं, आपको जो नॉर्मली बच्चे ज्यादातर क्लासिक लेते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आपको वन मंथ या बाय कंप्लीट, जो भी आपका चॉइस आप लेना चाहते हो। आप अगर वन मंथ भी लोगे तो भी आपको प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म बैच मिलेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्ग टर्म मतलब फुल बैच जो होता है, जिसको कि आप वन मंथ के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो या आपको कुछ और करना है, राइट। एंड उसके साथ बहुत सारे माइक्रो कोर्स का एक्सेस मिलता है। आपको पता है तुम्हारे भाई के माइक्रो कोर्स आते हैं और आप वहां पे मेरे से मिलके गप्पे भी मार सकते हो, पढ़ भी सकते हो। मेरा जो अगला माइक्रो कोर्स है वो जुलाई के सेकेंड वीक में लॉन्च हो रहा है, उसका टाइटल मैं आपको भी कुछ दिनों बाद बताऊंगा, जुलाई के सेकेंड वीक में लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप ये लेते हो चाहे वन मंथ चाहे फुल, तो भी आप मेरे माइक्रो में आ सकते हो, वो आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहेंगे, ठीक। तो आपको जो करना आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे पेमेंट का आ जाएगा मोड। ये वेदांतु का होम अपना पेज है, सिक्योर, सो नो ह्यूमन इंटरवेंशन, एंड आपके भाई का कोड पहले से लग चुका है, तो यू हैव गॉटन मैक्सिमम डिस्काउंट जो से मिलता है, और बस फिर आप ईएमआई जैसे मर्जी पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से सिस्टम रहते हैं वेदांतु के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, या अगली क्लास में दिखा दूंगा, तो कोई पंगा नहीं है, पर अगर एक चीज़ दिखा पाऊँ तो अच्छा मज़ा आ जाएगा तुमको यार। एक मिनट देखता हूँ अगर अभी अवेलेबल है। हाँ, अभी अवेलेबल है। एक चीज़ दिखाता हूँ जो मतलब मेरे को बहुत पर्टिकुलरली काफ़ी सही लगती है, जो मैं डुअल टीचर मॉडल कहता हूँ। ऑनलाइन में आपके अगर दोस्त पढ़ते होंगे, जो वेदांतु पढ़ते वो तो आपको बताते ही होंगे, जो बाहर पढ़ते कभी उनसे पूछना, डाउट्स एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि डाउट में ना बच्चे पूछ नहीं पाते प्रॉपरली ऑनलाइन, बच्चों को डर लगता होता है, और अगर पूछ रहे भी होते हैं तो चैट इतनी ज़्यादा होती है कि टीचर जवाब नहीं दे पाते। बट वेदांतु पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डुअल टीचर मॉडल है। जैसे ये मेरी एक सेशन का रिपोर्ट है, मेरे एक सेशन का रिपोर्ट, हर एक सेशन का रिपोर्ट क्रिएट होता है, हर एक सेशन का, कि जब क्विज़ लिए गए थे कैसे असर आए थे, पोल लिए गए थे क्या क्या रिपोर्ट आई थी, हर एक स्लाइड बाय स्लाइड इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। यहाँ देखो पूरी क्लास में 161 डाउट पूछे गए हैं और 161 में से पूरे पूरे जवाब दिए गए हैं। ये देखो टोटल डाउट्स आस्क्ड, टोटल डाउट्स सॉल्व। तो ये जो चीज है ना, ये डुअल टीचर मॉडल के चलते रहते हो पाती है, बच्चों के डाउट आराम से ले होते हैं, एक भी डाउट मिस नहीं होता। तो ये ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, जो आपको कोचिंग में मिलनी जरूरी है ऑनलाइन में, और वेदांतु उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, ठीक। इस करके मैं काफी रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको कोचिंग लेनी है इट हैज टू बी वेदांतु। अब देखो कि डाउट बचा तो पूछ सकते हो, वरना फिर टाटा बाय बाय मजा करेंगे। अगला सेशन अनिरुद्ध मोस्ट लाइकली मेरा नेक्स्ट वीक में आएगा, इसका जो सेकंड सेशन है वीक है शायद कैंसिल होगा, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग टू माई होम, और नेक्स्ट वीक में मैं सेशन लूंगा मुड़कर। जो टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम और पीवाईक्यू सेशन है वो आदित्य भारद्वाज सर है, वो लेंगे इस वीक में, ठीक। ओके, बोर्ड कास्ट बेटा, गाना गाना बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे, मुझे भी नहीं पता। ट्रिग्नो के टोटल कितने लेक्चर लगेंगे यार, ऐसे मुझे याद नहीं है, प्लान तो बना हुआ है, मेरे ख्याल से ये होंगे 4-7 के आसपास होंगे, मेरे ख्याल से 7 के आसपास, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर देखना पड़ेगा, ठीक है अरविंदर। अभी ऐसे तो मुझे याद नहीं, पर आप टेंशन ना लो, वेदांतु में एक एक टीचर जो है ना बेटा, वो मतलब मास्टर टीचर है। तुम्हें किसी भी जगह पे कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट उठा लो, अगर वहाँ पे कोई अच्छा टीचर दिख रहा होगा ना बेटा, तो वो कहीं ना कहीं वेदांतु से एसोसिएटेड होगा। वेदांतु बेटा मजाक नहीं करता, वेदांतु में टीचर्स का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, टीचर्स का भी और टीचर एक्सीलेंस का भी, विच मेक्स श्योर एवरी टीचर इज लाइक टीचर बाय अ चॉइस एंड ही इज कंप्लीटली ट्रेन्ड ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, ठीक। ग्रेट,
यस ऑफ कोर्स गेमर्स पॉइंट, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप एक दो पिछले बैचेस में जा सकते हो, आपका एक प्राइमरी बैच एलोकेट हो जाएगा और उसके अलावा आप अदर बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट, यानी कि आप वो क्लासेस लगा सकते हो। तरीका क्या होता है, जो बच्चे तो विद टाइम, आप जब ज़्यादा टाइम रह लेते हो सिस्टम में तो आपको खुद भी करना आ जाता है क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाते हो इंटरफेस के साथ, बट टू बिगिन विद हर एक बच्चों को एक सैम एलोकेट होता है जो उस बच्चे को गाइड करता है हर एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे। हर एक हफ्ते में सैम बच्चों को कॉल करते हैं और उनकी क्वेरीज अगर कोई हो तो रिजॉल्व करते हैं। तो आपको अपने सैम को कहना होता है कि मुझे इस बैच में एनरोल कर दो, तो वो आपको उस बैच में एनरोल कर देंगे और कुछ टाइम बाद जब आप यूज टू हो जाएंगे आप खुद भी कर पाओगे, ठीक। सैम होते हैं स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर्स, वो आपको कर देते हैं आराम से। यस दीपक बेटा, 11 का न्यू बैच बेटा आज ही शुरू हो रहा है। ओमकार बेटा, जितने सारे बैचेस होंगे सब में मैं थोड़ी ना मिलूंगा बेटा, कुछ बैचेस में मैं होऊंगा, कुछ में कोई और होंगे, एक टीचर सारे बैच थोड़ी लेते हैं बेटा, फिर तो एक एक बैच की स्ट्रेंथ बेटा 5,000 हो जाएगी। जितने बैच है वेदांतु पे, अगर एक टीचर 6-7 बैच लेगा यानी कि मतलब कंबाइन कर देगा, फिर तो बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी ना। ओके ज्ञाना बेटा, ये मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, ये वर्ड मुझे नहीं पता अभी, सॉरी। ठीक है चलो, अब तुम करो मज़े, सीखते रहो, मज़े करते रहो, रेस्ट करो, गैप लेके 6:30 मिलते हैं। When I'll be sharing my story, I mean my story with you, my experience with you when I failed in IIT Delhi. ठीक है अप्राम्या, ये तो तुमने वो बात पूछ ली कि बस क्या बताऊँ बेटा। इतना आसान जवाब इसका होता, या कह लो जवाब तो बहुत आसान है, फॉलो नहीं होता बेटा। ठीक ओके गेमर्स पॉइंट, मैं तो रेकमेंड करता ही हूँ हमेशा, अगर कोचिंग लेनी है तो वेदांतु पे लेनी है, वरना यूट्यूब पे पढ़ो, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने सोच लिया कि मेरे को कोई रिसोर्स मिस नहीं करना है, कोई चांस नहीं लेना है, मेरे को बहुत इंटरेक्शन चाहिए टीचर के साथ, एक एक डाउट रिजॉल्व करना है, बहुत सारे रेगुलर टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट, उनका डिस्कशन करना है, राइट, बहुत ज़्यादा, तो कोई रिसोर्स नहीं मिस करना चाहते, तो आई एम टेलिंग यू वेदांतु इज एक्चुअली द बेस्ट कोचिंग जो अभी अवेलेबल है, इससे अच्छी कोचिंग अभी है ही नहीं। बिकॉज वेदांतु सबसे आगे ना बेटा, 7 ईयर से जेई पे काम कर रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू पहले 2-3 साल वेदांतु को भी लगे, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से एसोसिएटेड हूँ वेदांतु के साथ, तो 2-3 साल वेदांतु को भी लगे थे देखने के लिए कि ऑनलाइन में कैसे बच्चों को हम सेट कर सकते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट दे, वो अच्छा पोटेंशियल बाहर निकाल पाएं। उसके बाद पिछले 4 साल से बेटा वेदांतु अनस्टॉपेबल है, बेस्ट रिजल्ट चाहे नेट पर चेक कर लो, बिकॉज नाउ वेदांतु नोज वट इज़ ऑनलाइन कोचिंग एग्जैक्टली, कैसे पढ़ाया जाता है ऑनलाइन, क्या प्रॉब्लम्स आती, तभी तो डुअल टीचर मॉडल रखे गए हैं, मतलब जो हमारा इंटरफेस, हमारा अपना इंटरफेस है, ये थर्ड पार्टी नहीं है, खुद बनाया गया, खुद डेवलप किया गया इंटरफेस है, इसके पेटेंट्स हैं, और पेटेंट्स क्यों है, क्योंकि आपके बहुत सारे पैरामीटर स्लाइड बाय स्लाइड चेक किए जाते हैं। ठीक है 100% हर्ष, 100%। तो चलो अभी रखते हैं सेशन, मैं ब्रेक ले लूँ, 6:30 मिलते हैं, ठीक है ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। और आपको प्रो, जैसे वेदांतु प्रो लेना है बेटा, अभी आपको मैंने बताया ना, आप इसी सेशन में लिंक क्लिक करके आराम से ले सकते हो, दिस इज द यूजुअल प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू सब्सक्रिप्शन, ओके, दिस इज द यूजुअल प्रोसेस, ओके, टेक केयर। यस गेमर्स पॉइंट 100%, ठीक है, एंड डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बता सकते हो, तुम्हारा भाई सॉर्ट करा देगा, टेंशन ना लो। ओके बाय, टेक केयर, खुश रहो।